चलिए बिस्मिल रहमान। एक स्लेट पे असाइनमेंट अपलोड की, आप लोगों ने देख ली होगी शायद। नहीं देखी? अच्छा जी, नहीं नहीं मैंने तो बोली बारह देख लें। अगर मेल ना आई हो तो फिर भी उसको देख लें, और मेल ना आई हो तो फिर मुझे बताएं भी कि हमें मेल नहीं आई। अगर एक दो लोगों को नहीं आई तो फिर स्लेट वालों को बताएं, और अगर सबको नहीं आई तो मुझे बताएं, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो अपलोड मैंने कर दी असाइनमेंट, तो नज़र तो आप लोगों को आ जाएगी वहाँ पे। एसेंशियली रीडिंग असाइनमेंट है, आप लोगों की आउटलाइन में एक पता नहीं दूसरे के तीसरे वीक में कहीं पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, इस किस्म की चीज़ें। तो वो चीज़ें बेसिकली आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है, हमारे कुलीग हैं शाकिर साहब, उन्होंने शेयर की थी मेरे साथ, तो वो मैंने आप लोगों को दी है ताकि वो आप लोग पढ़ें। पेज 5 से 32 तक आपने उसमें पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा डॉक्यूमेंट है, मेरा ख्याल 40-45 सफ़ों का इतना है, उसमें से पेज 5 से 32 तक आपने पढ़ना है। उसमें लिखा हुआ है असाइनमेंट में, सारी तफसील लिखी हुई है। इसका मकसद ये है कि आप लोगों को बेसिक जो जिन लोगों को मालूम नहीं है कि हार्डवेयर किस किस्म के हैं, आजकल कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, आजकल से थोड़ा पुराना वो डॉक्यूमेंट है लेकिन बहर मैंने उसको रिव्यू किया है तो काफ़ी अपडेटेड है वो। किस किस्म के हार्डवेयर हैं, किस किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, स्टोरेज कौन सी है, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की। उसके अंदर वेब के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो बिल्कुल जो इंट्रोडक्टरी ले मैन के लिए वो एक डॉक्यूमेंट से लिखा हुआ है कि अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं भी है, उसको बिल्कुल कंप्यूटर साइंस है नहीं, पर उसने कंप्यूटर नहीं यूज़ किया हुआ, तो उसके पढ़ने के लिए वो, ठीक है। तो ये तकरीबन को 25-27 पेजेस हैं। तो आप लोगों को ये रीडिंग असाइनमेंट के देने पे तौर पे देने के दो मकासद हैं। एक तो ये है कि आप लोगों को रीडिंग की थोड़ी आदत हो जाए, ठीक है। ये 25-27 पेजेस ऐसे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके ऊपर आप रुकें, ठीक है। बड़ी आसान सी लैंग्वेज है उसकी और बहुत आसान आसान बातें हैं उसमें। अगर कोई ऐसी बात आ जाए, एक आध जगह पे इस तरह की कोई बात है जिसमें कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो आप लोग क्लास में नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी क्लास हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मैंने इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिया है, पता नहीं 8 तारीख मैंने दी है, तो ईद के बाद कहीं उसकी मैंने डेडलाइन रखी हुई है। उसमें आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि जब आप पढ़ लेंगे तो जो असाइनमेंट स्लेट में है उसके अंदर आगे एक येस करके आप सबमिट उसको कर देंगे कि मैंने पढ़ लिया, ठीक है। और इस असाइनमेंट में आप लोगों ने कुछ करना नहीं है, सिर्फ रीडिंग करनी है। हाँ, ये है कि उसका जो कॉन्टेंट है वो आप लोगों के कोर्स में चूँकि शामिल है, तो उसमें अगर कोई मुझे कोई मज़ेदार सी बात नज़र आई तो वो मैं आप लोगों को कहीं एग्ज़ाम में उसके बारे में पूछ सकता हूँ, ठीक है, कि फ़लाँ काम किस तरह होता है। तो इस वजह से उसको गो थ्रू ज़रूर करें। जिन लोगों की पहले से इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उनको कंप्यूटर साइंस का पता है, उनके लिए वो चीज़ थोड़ी बोर होगी लेकिन वो जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। और जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो उनके लिए उसमें कुछ नई बातें भी होंगी, ठीक है। मेरे अपने लिए भी एक दो बातें उसमें मुझे अच्छी नज़र आई कि कुछ नई सी थी। खामखा बंदे को कुछ ना कुछ नया नज़र आता है जब भी वो कोई वो करता है। तो एक तो ये है कि आप लोगों की रीडिंग की आदत आहिस्ता आहिस्ता बनाई जाए, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो रीडिंग असाइनमेंट मिलेगी वो शामिल होगी आपके कॉन्टेंट्स में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रीडिंग असाइनमेंट देख कर आपने नहीं पढ़ी और बस बात खत्म होगी, तो उसको पढ़ना ज़रूर है आप लोगों ने। मैं उसमें से कोई ऐसा सवाल निकाल के दूंगा आप लोगों को कि जिसने पढ़ा ना हो तो वो फिर ना कर सके, ठीक है, जान के ऐसा सवाल दूंगा आप लोगों को, तो उसको पढ़ लें, ठीक है, बड़ा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों का। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि वो वहाँ पे देने का मकसद क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों नहीं कवर कर रहा वो चीज़ें, अगर ज़रूरी चीज़ें तो मैं यहाँ क्लास में क्यों कवर नहीं कर रहा, आपको समझ के दे रहा। ये मुझसे दूसरे एक सेक्शन में भी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इस तरह आउटलाइन में तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, और सीनियर बैचेज ने हमें बताया कि उनको पढ़ाया भी जाता रहा। तो मैं आप लोगों के साथ वो जवाब शेयर करना चाहता हूँ जो उनको मैंने दिया। वो ये है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग खुद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं यहाँ पे स्पून फीडिंग करूँ, ठीक है, लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि सॉफ्टवेयर की दो किस्में होती हैं, एक ये होता है और एक ये होता है, और ये वाला होता है, ये वो वाला होता है, ये वो बातें हैं जो कि आप लोग बड़ी आसानी से खुद समझ सकते हैं। हाँ, आपने कोशिश की, उसके अंदर कोई ऐसी बात आ गई जो आपको समझ नहीं आई, आप यहाँ आएँ, सवाल करें, आपने ये असाइनमेंट दी थी उसके अंदर ये बात आई है, ये कुछ समझ नहीं पड़ी कि कैसे होता है, चाहे वो बुनियादी सवाल हो, ठीक है, आपको अगर क्लियर नहीं है आप आके सवाल करें यहाँ पर, समझा रही ना। 40 बंदे हैं क्लास में, 39 को समझ आ गई है, एक आपको नहीं समझ आ रही, आप सवाल करें, उसके जवाब में कोशिश करेंगे कि वो ऐसा जवाब दें कि बाकियों को भी फायदा हो, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो आपने अपने आप को समझाना है, आप ये फिक्र मत करें कि किसी और को समझ आ रही है, बाकी सारी क्लास को समझ आ रही है, मुझे सिर्फ नहीं समझ आ रही तो मैं सवाल ना करूँ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सिर्फ एक बंदे को भी समझ नहीं आ रही तो वो भी सवाल करें, हालांकि आमतौर पर होता ऐसा नहीं है, जो बात किसी एक को समझ नहीं आ रही तो वो 10 और को भी समझ नहीं आ रही होती है, हर कोई अपनी जगह पर चुप करके बैठा होता है कि सिर्फ मुझे शायद नहीं समझ आ रही। तो ऐसी हार्डली कोई चीज़ आएगी जिसके अंदर कोई एक ही बंदा उसको समझ आ रही है, तो सवाल ज़रूर पूछें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज साथ करना शुरू करें। ये 4 साल का जो आपका प्रोग्राम है, इसके अंदर हम आपको
कितने कोर्स पढ़ाते हैं, 40 कोर्स पढ़ाते हैं मोरलेस, ठीक है, तकरीबन सारे के सारे कोर्सेज मिला के, जिसमें कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ मैथमेटिक्स के हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस के हैं, कुछ और मैनेजमेंट साइंसेज के हैं, तो सारे मिला के बनते हैं 40 कोर्सेज। और कंप्यूटर साइंस जो है वो इतनी वास्ट फील्ड है कि कंप्यूटर साइंस सारी एक जगह पे और बाकी सारे के सारे जो हमारे साइंसेज हैं उन सारों को एक जगह पे अगर आप रख दें तो दोनों का कंटेंट जो है शायद बराबर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस हर जगह जाके अप्लाई हुई है। फिजिक्स को बंदा पढ़ता है तो उसके एक लिमिटेड डोमेन होता है, वो उसके अंदर पढ़ता है, उसको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं कि इसके अंदर मैंने काम करना है, और उसके अंदर भी बड़ी वास्ट नॉलेज है, लेकिन कंप्यूटर साइंस से अगर आप उनको कंपेयर करें तो कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। आज मैं आपको पाइथन पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है 2 साल के बाद जाके कोई और नई लैंग्वेज आ जाए और वो इतनी ज़्यादा अचानक पॉपुलर हो जाए कि पाइथन को पूछने पर तैयारी ना हो, आपको नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आज हम यहाँ पे कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को जाके वो टूल कोई इस्तेमाल ही ना करे। टर्बोसी एक टाइम पर पढ़ाया जाता था, आज कोई टर्बोसी का नाम ले तो उसके ऊपर लोग हंसते हैं, टर्बोसी पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इस किस्म की बातें हैं, आप लोगों ने एक डेटाबेस सीख ली, कल को नई डेटाबेस आ जाएगी, पिछली वाली आउटडेटेड है, आपकी वो नॉलेज जो है ज़ाया नहीं होती, लेकिन आपको उसको अपडेट करना पड़ता है। तो बुनियादी मकसद ये है कि आप लोगों को इस 4 साल में इस काबिल बना दिया जाए कि आप लोग खुद से लर्निंग कर सकें, बजाय इसके कि हम यहाँ पे डिलीवर करें और आप लोग उसको पैसिवली सिर्फ इनटेक करें, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें, जो जो आसान चीज़ें साइड की चीज़ें होंगी वो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी कोर्स है तो कोई बहुत एडवांस चीज़ आप लोगों को इंडिविजुअल रीडिंग के लिए नहीं देंगे, लेकिन जो आसान आसान चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे कंटेंट कवर कर लिया उसमें 2-3-4 चीज़ें रह गई वो आपको दे देंगे, जी फलां चैप्टर आप पढ़ लें, बाकी हमने कवर कर लिया, उसके अंदर 2-3 चीज़ें मैंने छोड़ी हैं तो वो भी उसके अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है जी। आप लोगों को इस तरीक़ाकार पर कोई इख्तिलाफ तो नहीं है, खैर करो हो तो कर सकते हैं, अगर किसी के जहन में हो कि नहीं जी बुनियादी बात हमें आप कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्लास में डिस्कस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा भी व्यू पॉइंट हो सकता है। जो टीचर्स कराते हैं वो इस व्यू पॉइंट से कराते हैं, ठीक है, दो अलग व्यू पॉइंट्स हैं ना, जो टीचर्स करवाते हैं मैं नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, जिन सीनियर्स ने करवाया है, जिन सीनियर्स को करवाया गया है उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से कराया कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, फाउंडेशन है तो हम क्लास में करवा दें ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है, वो भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो चीज़ आप खुद भी क्लियर कर सकते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन आए सवाल जरूर करें, ठीक है। तो रीडिंग असाइनमेंट के लिए मैंने आपको 25-27 सफ़ों का डॉक्यूमेंट दिया है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत बेहतर ये होगा कि आप उसके अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आएँ और किसी में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो तो उसको फर्दर एक्सप्लोर करें, इंटरनेट के ऊपर उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ें, मिसाल के तौर पे कोई नई किस्म की आपको डिवाइस नज़र आती है कि हाँ भाई ये डिवाइस तुम्हें जो अभी तक नहीं पता थी या पहले से पता थी दिमाग से निकल गई थी अभी याद आ गई, उसके बारे में और चीज़ें देखें। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। और चाहते इवेंचुअली हम ये हैं कि आप लोग जब थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो इंस्ट्रक्टर आपको सिर्फ गाइड करने के लिए रह जाए कि भाई फलां भी एक चीज़ होती है, क्योंकि वो अब हमारा तजुर्बा है ना, पिछले अब 15-20 साल का जिसका भी तजुर्बा है कंप्यूटर साइंस का, तो हमें पता है कि फलां चीज़ भी है, फलां चीज़ भी है, फलां चीज़ भी है, हमें नाम बहुत सारे पता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस जगह तक पहुँच जाएँ कि हम आपको नाम बताएं और आप आगे खुद उनको कर लें, आपका टाइम बच जाएगा कि वो नाम आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नाम ढूंढने में 10 साल लगते हैं, ठीक है। वो चीज़ें आती रहती हैं तो एक बस खिचड़ी बनती रहती है दिमाग में, तो उस खिचड़ी में से 2-3 चीज़ें हम आपको बताएंगे, कहीं पे हमारे मुंह से नाम निकल जाएगा, फिर आगे एक्सप्लोर आप खुद करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है जी। तो ये असाइनमेंट का मकसद समझ आए, ये ऐसी नहीं कि बस रीडिंग असाइनमेंट एक वैसी मैंने आपको दे दी और आप लोग उसको बस पढ़ लेंगे और किसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको किसी पर्सपेक्टिव से पढ़ें, हम इस मकसद से पढ़ना चाह रहे हैं कि रीडिंग का तरीकाकार भी हमारा थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगेन उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, तो वो ज़रूर नेक्स्ट क्लास में या जब भी आप लोग पढ़ लें, असाइनमेंट की डेट गुजर जाए, दरमियान में पूछते हैं, जब भी पूछते हैं उसको पूछें ज़रूर, ठीक है जी। जनाब असाइनमेंट एक रीडिंग मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है स्लेट पे, मेल आ गई होगी, नहीं आई तो स्लेट पे देखें, स्लेट पे वो होगी, उसको रीड करना है, तकरीबन 25-27 पेजेस हैं और बस उसको रीड करना है। और स्लेट पे सिर्फ स्लेट में असल में असाइनमेंट आपने सबमिट भी करनी होगी ना, तो सबमिट ही होगा कि आप बस लिख देंगे कि हाँ जी मैंने पढ़ लिया, और बस एक टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें लिख देंगे हाँ जी मैंने पढ़ लिया और बस सबमिट कर, ठीक है। और अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, लेकिन वो इंक्लूडेड आपके सेशनल के कॉन्टेंट में, जो लोग लेट आए उनके, ठीक हो गया जी, क्लियर है। तो हम आज का काम शुरू करें थोड़ा, अच्छा जी, तो आज की क्लास की इंट्रोडक्शन ये है कि अब हम शुरू करने वाले हैं थोड़ा प्रोग्रामिंग का काम, सही है, और सारे बिग पिक्चर बड़ी कहानियाँ सब खत्म हो गए, ठीक है। अभी तक मैं आप लोगों को 2-3 लेक्चर्स में ये कहता आया हूँ कि अगर ये बात आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही तो खैर है, वो बात अब ख़त्म हो गई है। यहाँ पर अगर आपको कहीं पर ये नहीं समझ आता कि आपने ये फुल स्टॉप कहाँ यहाँ पर क्यों लगाया है तो मुझसे पूछें, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को ये बातें। आज का आप कॉन्टेंट देख लेंगे कि जब मैं डिलीवर करूँगा तो बहुत थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपको समझना नहीं हो, ठीक है। वो बिग पिक्चर वाली कहानी अब ख़त्म होगी, ठीक है, वो पिछले लेक्चर तक की, अब के बाद से जो चीज़ होगी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको क्लियर नहीं है तो वहीं पे मुझे रोकें और इधर ही खड़े खड़े क्लियर करवाएं, ठीक है। फंडामेंटल्स हैं ये और बिल्कुल बुनियादी बातें हैं, जिन लोगों को पहले से कंप्यूटर साइंस में नॉलेज है उनके लिए शायद ये थोड़ी सी बोरिंग हो,
लेकिन अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बिल्कुल बैकग्राउंड अज्यूम नहीं कर रहे, तो हम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बीच में इस तरह की चीज़ें आ जाएँ कि जिनका नॉलेज है उनको भी फ़ायदा हो। तो हम स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कवर करें और वो ज़रूरी चीज़ें भी कवर करें जो कि टिपिकली इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में कवर नहीं की जाती, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में कवर नहीं की जाती लेकिन ज़रूरी है। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह का बताया था, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर टेस्ट किस तरीके से होता है जिसकी बुनियाद पर हम असाइनमेंट्स करेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ें आमतौर पर हम इंट्रोडक्शन में नहीं करवाते लेकिन वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में तरीकाकार ही इस तरीके पर चलता है जो अच्छी जगह, ठीक है जी। तो ये बात जहन में रखें, जहाँ पे समझ नहीं आती है ज़रा सी भी, अगर आपको एम्बिगुइटी भी है, ऐसा है कि शायद मुझे समझ आई है शायद समझ नहीं आई, हाथ खड़ा करें कहीं दोबारा बताएं, हमें क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर पे समझते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, मुझे अगर नहीं जवाब आता होगा तो मैं कह दूंगा कि भाई बाद में बता दूंगा, ठीक है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इसको शुरू करते हैं, अगर हमारा पॉइंटर काम कर ले तो। अच्छा जी, तो हम लोगों ने ये बात पहले भी की थी कि कंप्यूटर साइंस जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, और इसी वजह से हमारे कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स नहीं है। इस वजह से आप लोगों को लैब में हार्डवेयर वगैरह अगर अभी तक नहीं करवाया तो करवा देंगे कि हार्डवेयर होता है, ये रैम होती है, फलाना होता है, हमारा उसके साथ कोई काम नहीं है, वो एक टूल है, आपने टूल कहीं से भी सीख लिया तो फाइन। हम यहाँ पे जो करना चाह रहे हैं वो है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करना है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो टूल्स हमें बीच में ज़रूरत पड़ती जाएगी हम उनको खोलते जाएंगे, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो जब भी आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर मैं कहूँ कि भाई आप हमें ये बताएं कि पिशावर कैंपस में लोग क्यों नहीं प्रेफर करते आना, हमारे पिशावर कैंपस में लोग क्यों नहीं प्रेफर करते, प्रायोरिटी लो क्यों होती है यहाँ की, तो अब ये एक प्रॉब्लम है। अगर इसी तरीके से सवाल को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास इस मसले का सलूशन कभी भी नहीं निकलेगा, हमें इसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी से क्या मुराद है, हमें कैसे पता कि लोग इसको कम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, फिर उनमें से कौन सी वजूहात वो हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, अब उनमें से कौन सी वजूहात हैं जो कि वाकईतन ग्राउंड पे मौजूद है जिसकी वजह से लोग प्रेफर नहीं करते। तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्मलाइज करना पड़ता है, उसको कंक्रीट फॉर्म में लेके आना पड़ता है कि आप आखिर में हर सवाल का जवाब आसान जवाब हर सवाल का आसान अल्फाज में जवाब दे सकें, ठीक है, समझ आ रही बात की। थोड़ा सा इसको अभी हम खोलेंगे इस चीज़ को तो आपको समझ आएगी। उसके लिए हमें फॉर्मलाइज करने के लिए दो किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज, ये अगेन कंप्यूटर साइंस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जनरली नॉलेज जो होती है वो दो किस्म की होती है, ठीक है। एक नॉलेज होती है जिसको कहते हैं डिक्लेरेटिव, ठीक है, डिक्लेरेटिव लफ्ज़ है डिक्लेरेशन से, हम कोई बात डिक्लेयर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है तो आप क्या बताएंगे, ठीक है, ये है डिक्लेरेटिव नॉलेज, ये बताती है कि सच क्या है, ठीक है, डिक्लेयर आप करते हैं कि ये बात सच है। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 है, ये आपने बता दिया, हम सब ने मान लिया, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट 5 है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है, तो ये क्या जो सवाल है इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सच है या झूठ है, ठीक है ना, समझ आ रही बात की। डिक्लेरेटिव नॉलेज में हमेशा ये होता है कि ये बात आया सच है या झूठ है, ठीक है। लेकिन जब ऐसी बात ना हो, मैं आपको कहूँ कि फलां काम करें, अब मैं आपको कुछ करने का कह रहा हूँ, इसमें आप मुझे नहीं कह सकते कि ये आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी बात का सच और झूठ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम आप करें, या अगर मैं आपको कहूँ कि फलां चीज़ क्या है, आपने असाइनमेंट की है या नहीं की है, और सर झूठ ना बोलें, कैसे हो सकता है, ठीक है, ये सेंस नहीं बनाती बात कि आप मेरे सवाल के जवाब में कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं। तो इम्पेरेटिव नॉलेज ये होती है कि आपने क्या काम, सॉरी, आपने किस तरीके से काम करना है, तो ये सवाल का जवाब देता है हाउ, और डिक्लेरेटिव नॉलेज जवाब देती है व्हाट का, ठीक है। तो ये क्या है, ये बात या सच है या झूठ है। अगर मैं कह दूं कि 36 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज 5, तो आप कह सकते हैं कि यह बात ठीक नहीं है, तो या सच कह सकते हैं या झूठ कह सकते हैं, लेकिन होगी ये डिक्लेरेटिव नॉलेज, या सही होगी या गलत होगी। आमतौर पर हम सही के साथ डील करते हैं लेकिन गलत भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ फिलहाल हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज ये बताएगी कि सच क्या है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताती कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा किस तरीके से जाता है, ठीक है जी, बात क्लियर है। जबकि इम्पेरेटिव नॉलेज ये होगी कि अगर मैं आपको कहूँ कि 36 का अंडर रूट क्या है,
इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो वो बताने के लिए आपको कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपेरेटिव नॉलेज आपको ये बताएगी कि 36 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, हाउ टू कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या बात है क्या बात नहीं है, इंपेरेटिव नॉलेज किस तरीके से हमने काम करना है, ठीक है। तो दोनों किस्म की नॉलेज है ना, समझ आती है ना, कि मालूमात है दोनों, ये काम कैसे करना है या कौन सा काम है कौन सा काम नहीं है, ठीक हो गया जी। तो हम जो टिपिकली काम करते हैं मैथमेटिक्स में, दैट इज ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज, डिक्लेरेटिव टाइप, और डिक्लेरेशंस तक पहुंचने के लिए हम इंपेरेटिव मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम कोई बात साबित करना चाहते हैं कि ये बात सच है या झूठ है, तो या वो सच होगी या झूठ होगी लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम इंपेरेटिव मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, उसको प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कुछ चीज़ें आपस में काटते हैं, इधर से उधर ले जाओ उधर से उधर ले जाओ, फलां चीज़ इंट्रोड्यूस कर दो फलां चीज़ काट दो, ये करके इवेंचुअली इस इंपेरेटिव मेथड से हम वापस डिक्लेरेटिव नॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं। तो मैथमेटिक्स में आमतौर पर हम डिक्लेरेटिव नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। जबकि कंप्यूटर साइंस के अंदर चूंकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसी तरीके से होगा, तो तरीका हमारा मेन फोकस होता है, और वो तरीका जो है वो आता है इंपेरेटिव नॉलेज के अंदर, ठीक है। तो हम टिपिकली यहाँ पे बात करते हैं इंपेरेटिव नॉलेज के साथ, ठीक है जी। तो इंपेरेटिव नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि कैसे हम कोई काम करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे का जो प्रोसीजर है इसके अंदर कोई तरीकेकार होगा कि पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें फिर ये करें, ठीक है। कैसे इसी तरह होता है ना कि पहले ये काम करें फिर ये काम करें फिर ये काम करें फिर ये काम करें, या ये काम चार दफ़ा करें, ये काम दो दफ़ा करें। अगर आप बाहर निकलें और धूप हो तो छतरी ले लें, अगर धूप नहीं है तो छतरी छोड़ दें, अगर बारिश हो रही है तो भी छतरी ले लें, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, छतरी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये हाउस जो है ये तरीकेकार बताया जाता है इस प्रोसेस के जरिए से। तो ये जो प्रोसेस है, ये इंग्लिश का लफ्ज़ प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये प्रोसेस जो है इसके लिए हम एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर साइंस में, जिसको कहा जाता है एल्गोरिदम, ठीक है। ये आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता देता हूँ, ये अल्फारजमी के नाम से है, जो मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन, उस टाइम पे लोग सब कुछ किया करते थे। वो अल बैरूनी की अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे उसने किस किस फील्ड में काम किया हुआ है, तो बंदा परेशान हो जाता है क्या चीज़ है। तो मॉडर्न टाइम्स में बहुत कम लोग इस तरह के गुजरे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों में हाथ मारा है। न्यूटन एक है, मशहूर है, आमतौर पर हम उसको फिजिक्स की वजह से जानते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बड़ा न्यूटन का काम है, आप लोगों को शायद पता होगा। कैलकुलस फारे बैठा हुआ था तो कैलकुलस उसने बना दी। तो इस किस्म के काम दो तीन और वो हैं, रीमान है एक, पूरा नाम पता नहीं क्या है उसका, एक रिचर्ड फाइनमैन है, फाइनमैन तो अभी ज़िंदा भी है। तो ये मॉडर्न टाइम्स में चंद गिने चुने लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फील्ड में। तो अल्गोरिथमी का जो था, एल्गोरिथम एसेंशियली उसने ये प्रोसीजर जो है, ये जो इंपेरेटिव नॉलेज की फॉर्मलिज्म है, ये उसने बेसिकली बनाई थी कि हम हाउ को फॉर्मलाइज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उसको हम एल्गोरिथम्स कहते हैं। तो इसकी तरफ हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन उससे पहले आप ज़रा एक छोटी सी हम केस स्टडी देखते हैं कि अगर स्क्वायर रूट हमने निकालना हो, यहाँ पे हमने कहा ना कि 36 का स्क्वायर रूट निकालें आप, अब आपके सर पे मुसीबत आ रही है, अभी एक प्रॉब्लम है कि 36 का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाए। तो आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं कि आप किस तरह स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसी को याद है जी? अच्छा, मुझे नहीं लेना था, ये मेरे जवाबों को सुने, ऐसा ही मैं तुक पर ही बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा LCM ले लें, ठीक है। अब आपके लिए LCM लेना एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि ऑब्वियस है, ठीक है, आपके हिसाब से LCM लेना आसान काम है कि नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं पता LCM कैसे लेते हैं, बिल्कुल नहीं पता मुझे, ठीक है। मेरे लिए वो ऐसा ही है जैसे आप मुझे कहेंगे 36 का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। बताएं क्या लिखूं यहाँ पे, 36 तो मेरे पास है, अब कहाँ जाऊँ, इसको 2 से डिवाइड कर लूँ, ये आ गया 18, अब क्या करूँ, अब क्या आ जाएगा, अब क्या करूँ, ठीक है, अब क्या करूँ, सॉरी 9/3 आ गया, सॉरी, अच्छा पहले सही किया था, असल में नेक्स्ट स्टेप सोच रहा था कि मैं इसकी बात क्या करूँ, अच्छा ये 3 आ गया, फिर क्या करूँ, फिर 3 से डिवाइड करूँ, 1 आ गया, ठीक है, क्या बना, अच्छा ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा जवाब आ गया, ठीक है। अच्छा देखें आप लोगों ने क्या किया, ये अब आप लोगों का एल्गोरिथम है, आप लोगों का तरीकाकार है स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। आप लोगों का क्या तरीकाकार है कि नंबर लो, जो नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, याद रखें वो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम उस डब्बे के अंदर बैठे हैं, आपको नंबर आ गया 36, अब आपने जवाब वापस भिजवाना है, दरमियान में जो कुछ आप करते हैं वो आपका अपना काम है, ठीक है।
नंबर आया 36, आपने 36 ले लिया। अब आप क्या करेंगे, अब मुझे ये बताएं कि 36 को जहन से निकाल दें, अगर मैं आपको कहूं कि 35 का स्क्वायर रूट, रुकें मिनट, इसको पहले रुको, इसी को पहले फॉर्मलाइज करें। 36 आपके पास आ गया, आपने क्या कहा कि 2 से पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा, हमेशा 2 से ही करूंगा, सबसे छोटे से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे छोटा अब हमारे पास यहाँ पे 2 मौजूद है, तो हमने 2 से शुरू किया, ठीक हो गया। जहाँ पे अगेन क्लियर ना हो तो रोके मुझे, ठीक है। एल्गोरिथम हम अभी बना रहे हैं, अपना तरीकाकार बना रहे हैं, हमने किया किस तरीके से, हम हर उस चीज को ब्रेक डाउन करेंगे जिसको कि हम समझते हैं कि हमारा टूल नहीं समझता, समझ आ रही बात की। लेकिन फिलहाल आपके अल्फाज मैं यहां लिख लेता हूं कि स्टार्ट विद छोटा, ठीक है, जो भी छोटा नंबर है आपका उससे आप स्टार्ट करेंगे, आपने यही बताया, ठीक है। इस छोटा के ऊपर मैं जरा यहां पे डबल कोट्स लगा देता हूं, जो छोटा नंबर है उससे स्टार्ट करो, ठीक है, क्या करो डिवाइड कर दो, ठीक है, कोई रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, सही है। लेट्स से वो रिजल्ट हमारे पास आ गया, रिजल्ट रिसीव, आप क्या करूं इसके बाद, सबर सबर, अभी तो मैंने एक दफा छोटे से डिवाइड किए, सिर्फ एक एक बात मुझे बताएंगे। देखिए हम फॉर्मलाइज कर रहे हैं कि काम किस तरीके से है, अगर आपने एक बच्चे को समझाना हो कि स्क्वायर रूट किस तरह निकालते हैं और आप उसको कहें कि छोटे से डिवाइड करो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर निकालो तो वो कहेगा है मेरे पास तो एक नंबर है, अभी तक एक 36 था, एक मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 18 आ गया, अब आप कह रहे हो कि स्क्वायर निकाल लें तो इसका क्या मतलब है। हाँ अब ये उसको बताएं कि दोबारा करो इस रिजल्ट को, अब दोबारा छोटे से डिवाइड करो, ठीक है, कर लिया, ठीक है, वापस चलेंगे ना कि काम दोबारा करो, ठीक है, दोबारा लिखने की जगह पे हमने कह दिया दोबारा वहां पे ऊपर चले जाओ, वहां से दोबारा, जिस तरह होता है ना शैम्पू के ऊपर लिखा होता है ना केलादर रिंस और रिपीट, ठीक है, झाग बनाएं उसको धो लें और दोबारा करें, और ये नहीं लिखा होता कि रुकना कब है इसके ऊपर, तो अगर आप चलते रहेंगे तो सारी उम्र शैम्पू ही करते रहेंगे, रिपीट है ना वो आखिर में कह रहे हैं कि रिपीट, तो आप वापस जाएंगे फिर दोबारा लादर रिंस रिपीट फिर लादर रिंस रिपीट, तो लगे रहेंगे आप, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद समझते हैं कि वहां पे रिपीट एक दफा के बाद नहीं है, एक ही दफा का रिपीट है, ठीक। तो यहां पे अब आपने उसको कह दिया कि वापस जाओ छोटे नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, छोटे नंबर से उसने डिवाइड कर लिया, रिजल्ट आ गया, सही है। अब लेट्स से कि हम समझते हैं कि हमने ये सारे रिजल्ट जो हैं वो अपने पास रख लिए, अब क्या करें है जी, रुके रुके रुके, नंबर हमारे पास आ गए, ये सारे 2, 2, 3, 3 और 1 हमारे पास आ गए, अब क्या करें, अच्छा जी पेयर सेम नंबर, ठीक है, पेयर का क्या मतलब है, जोड़ा या नहीं, अगर 3 2 हैं तो तीनों को एक साथ करना है, सिर्फ जोड़ा बनाना है, ठीक है, बात क्लियर है, जहां भी क्लियर नहीं हो रही बताएं, जोड़ा बनाना है हमने, ठीक है, हमने जोड़ा बना लिया सेम नंबर, अच्छा पेयर को भी डबल कोट्स में बंद कर लें, हमने पेयर कर लिया, ठीक है, अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई पेयर्स, पेयर्स मल्टीप्लाई कर लें आपस में, सही है कि गलत कह रहा हूं, अगर मैं पेयर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 2 × 2, 3 × 3 हो जाएगा, 2 × 2, 3 × 3 पेयर है ना, पेयर को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि पेयर के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी पेयर में से एक ले लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो यहां पे ये बात हमें करनी पड़ेगी, वो बच्चा है उसको नहीं पता, आपको निकालना आता है ना स्क्वायर रूट, उसको तो नहीं आता, उसको तो आप समझा रहे हैं, अगर आपने उसको कहा कि पेयर को मल्टीप्लाई करो तो उससे दो मतलब निकल सकते हैं, नंबर एक कि पेयर के दरमियान की जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आपको 3 नंबर निकाल के दे देगा, जबकि हम क्या चाहते हैं कि पेयर में से एक एक एलिमेंट पहले बाहर निकालो, क्योंकि सारे एक जैसे हैं हर पेयर में, तो कोई सा एक बाहर निकालो, तो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गेट वन एलिमेंट फ्रॉम ईच पेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई टुगेदर, ठीक है, क्या करो अब मल्टीप्लाई उसको कर दो, ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई जी। ये आप लोगों का एल्गोरिदम है, ये आप लोगों ने अभी बैठे बैठे स्क्वायर रूट का एल्गोरिदम बनाया है, अगर आप इसी को एज इट इज उठा के कंप्यूटर को दे दें, ठीक है, कंप्यूटर के जरिए से हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 36,249 का स्क्वायर रूट हम निकालें, ठीक है, तो हम हाथ से नहीं करेंगे, अब कंप्यूटर की जरूरत क्यों आ गई, कंप्यूटर की जरूरत अभी तक कोई नहीं थी, अगेन वो जो हमारा एक बंदर है जो कंप्यूटेशन अक्सर करता है हमारी क्लास में, तो उसको अगर हम दे दें तो वो हमें निकाल के दे सकता है,
लेकिन हम कंप्यूटर से इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा काम थोड़ा तेज हो जाए, ठीक है। तो अब हम कंप्यूटर को बीच में लेके आएंगे, वो जो बच्चा अभी तक हम उसको सिखा रहे थे, अब हम उस बच्चे को हटा देंगे और वहाँ पे कंप्यूटर को बिठा देंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम ये देखने की ज़रूरत है कि आया ये काम इस तरीके से कंप्यूटर ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उसका जवाब ये है कि फिलहाल हमें इस बात को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसको एल्गोरिदम को हम जितना ब्रेक डाउन कर सकते थे हमने कर दिया है फॉर द टाइम, ठीक है। हमने अपनी तरफ से क्लियर इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है। अब अगर इस इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई एम्बिग्युटी है तो उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम नहीं देख रहे, समझिए बात की। तो ये जो आपने तरीकेकार सारे का सारा लिखा है इसको कहा जाता है एल्गोरिदम। और अगर आपको कोई कहे कि कंप्यूटर के अंदर आप लोग स्क्वायर रूट निकालें किसी चीज़ का और आप लोगों ने उसका कोड खुद लिखना है, तो आप एग्जैक्टली ये एल्गोरिदम जाके कंप्यूटर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसकी तरफ आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन ये अब आप बात कंप्यूटर को बता सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर की जबान आती हो, या आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो इस जबान को कंप्यूटर की जबान में ट्रांसलेट कर दे, या आप खुद कर सकते हो, ठीक है। आपको आ रही, आपने यहाँ पे लिखी हुई इंग्लिश, कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर को अपनी एक जबान आती है, लेट्स से फारसी आती है उसको, ठीक है। तो अब या तो आपको फारसी आती हो कि आप उसको फारसी में बता दें, या आप कोई और बंदा ले आए जिसको आप इंग्लिश में समझा दें और वो आगे फारसी में उसको समझा दें, ठीक है जी। तो ये जो स्टेप्स का कलेक्शन है इसको कहा जाता है एल्गोरिदम, ठीक है। और इस एल्गोरिदम के जरिए से आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बात पे किसी को कोई एतराज तो नहीं है, मुझे एक छोटा सा एतराज है। मैं आपको कहता हूं 35 का स्क्वायर रूट निकाले, वैसे नहीं करें, वैसे नहीं बोलें। आपने एल्गोरिदम लिख दिया है, अब आप कमिट कर चुके हैं कि ये हमारा एल्गोरिदम है, अब हम इधर उधर नहीं जा सकते, अब हम वही एल्गोरिदम चलाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों का एल्गोरिदम है, मैं ऐसे तो नहीं छोड़ रहा आप लोगों को। अब आप लोगों ने एल्गोरिदम हमें कहा है कि ये एल्गोरिदम है, हमने इसके ऊपर डेवलपर हायर किया, हमने बहुत सारे लोगों को तनख्वाहें दी, हमने एल्गोरिदम डिप्लॉय कर दिया, क्लाइंट के पास चला गया, क्लाइंट ने कहा मुझे 35 का स्क्वायर रूट चाहिए। अभी हम आएंगे स्टार्ट विद द छोटा नंबर, ठीक है। पहले तो छोटा डबल कोट्स में चले, खैर आप बता दें छोटा क्या होता है। अब यहाँ पे छोटा क्या है, छोटे से क्या मुराद है आपकी, सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा तो वन होता है, जो इसको डिवाइड कर सके कम से कम, सबसे छोटा नंबर जो इसको कम से कम डिवाइड कर दे, तो वो तो टू भी है, डिवाइड करता है कि नहीं करता, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है, ताकि रिमाइंडर कोई ना बच जाए, ठीक है। अब आपने छोटा डिफाइन किया, वो सबसे छोटा नंबर जिसको आप पहले सिर्फ छोटा कह रहे थे, वो सबसे छोटा नंबर जो कि जिस भी नंबर के ऊपर हम ये प्रोसेस अप्लाई करना चाह रहे हैं उस नंबर को ऐसे डिवाइड कर दे कि रिमाइंडर ना बचे। तो यहाँ पे वो नंबर कौन सा है, 5, आ गया 5 हमारे पास, 35/5 क्या बचा, अब कौन सा है छोटा नंबर, क्या बचा, हाँ जी पेयर किधर है, यहाँ पे पेयर सेम नंबर्स, ये चीज होगी खैर से कोई गलत नहीं हुई, ठीक ठाक है, पेयर सेम नंबर्स नहीं है, हम पेयर नहीं करेंगे। पहले वन भी तो अकेला था ना, हमने उसको छोड़ दिया था, हमने तो नहीं कहा था कि वन का पेयर नहीं है बस मैं खफा हो गया। पेयर सेम नंबर्स नहीं है, हम पेयर नहीं करेंगे, बात खत्म होगी, इसमें तो कोई मसला नहीं था। गेट वन एलिमेंट फ्रॉम ईच पेयर, अब 5 वाले को एक पेयर ले लें, 7 वाले को एक पेयर ले लें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या जवाब आ गया, 35। तो 35 का स्क्वायर रूट 35 होता है, नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये हाँ, लेकिन मसला ये है कि आपका एल्गोरिदम ये कह रहा है कि मैंने ये काम किया, आपने मुझे एल्गोरिदम दिया था, मैंने कर लिया, जवाब आया 35, ये नहीं जवाब आपका 35, तो 35 का स्क्वायर रूट उसने निकाल के दिया आपको 35, ठीक है। मसला कहाँ पे है, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि मसला है कहाँ पे, ठीक है, गौर से देखें मसला कहाँ पे है। स्टार्ट विद छोटा, इसमें कोई मसला एज सच नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया। अगर इसकी जगह पे दूसरा 7/7 आ जाता तो मसला हल हो जाता, उसके साथ दूसरा 5 आ जाता तो मसला हल हो जाता। तो इस 5 और इस 7 में मसला नहीं है, मसला पेयर सेम नंबर्स के अंदर है। पेयर सेम नंबर्स के अंदर एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है कि आपके पास पेयर आएंगे और एग्जैक्टली हर नंबर के 2 नंबर आएंगे, ये अजम्पशन है आपकी, या 2 आएंगे या 4 आएंगे या 6 आएंगे, ये अजम्पशन है ना आप लोगों की, आपने केवल बोली नहीं है लेकिन आप लोगों के जहन में ये अजम्पशन है कि 2 या 2 दफा आएगा या 4 दफा आएगा या 6 दफा आएगा, तो हम एक पेयर इधर बना देंगे, एक पेयर इधर बना देंगे, एक पेयर इधर बना देंगे, ठीक है, ये आप लोगों के जहन में एक अजम्पशन थी। तो यहाँ पे हम साबित क्या करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को अपने एल्गोरिदम में हर स्टेप के ऊपर ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरी अजम्पशन क्या है,
यहां पे है एक अजम्पशन, और वो अजम्पशन क्या है कि आपके पास पेयर्स होंगे। अगर आपकी अजम्पशन ब्रेक हो जाती है तो आपका एल्गोरिथम काम नहीं करता। और ये अजम्पशन कब ब्रेक होती है, जब आपके पास ये जो नंबर आपको भेजा गया है इसका रियल नंबर सॉरी होल नंबर्स में कोई स्क्वायर ना आता हो। ये बात समझ आती है? फुल आपके पास इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर पता है? ठीक है, यानी कि इसका 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, ये जो आपके पास इंटीजर नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो स्क्वायर्स आते हैं उनको कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट का मतलब ये कि इनका एग्जैक्ट जवाब आपके पास आएगा। तो आपने ये जो एल्गोरिथम लिखा है ये परफेक्ट स्क्वायर्स का लिखा है, स्क्वायर्स का नहीं लिखा। समझाइए, आपकी ये जो अजम्पशन यहाँ पे लगी हुई है इसका मतलब है कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये बात मैं कहां से लेके आया हूं? आपने अज्यूम किया कि पेयर्स होंगे। अगर पेयर्स होंगे तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारा एल्गोरिथम काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमने जो एल्गोरिथम लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर्स का लिखा है, हर स्क्वायर का नहीं लिखा। तो आपका एल्गोरिथम ठीक है लेकिन ये सारे मसले को हल नहीं कर रहा, ये एक सबसेट ऑफ द मसले को हल कर रहा। ठीक है, बात समझ आइए? सही है, तो ये फालतू नहीं है, इसको हम संभाल के रख लेंगे। कल को जाके किसी जगह पे अगर हमें ये काम करना हो कि भाई परफेक्ट स्क्वायर्स का हमने वो निकालना है तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इसको उठाएंगे, इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। अगर कल को कहीं पे जाके हमें मसला आ गया तो ये बात देखिए, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि मेरी अजम्पशंस क्या हैं। यहाँ पे तो हमने आखिर में निकाली है ना, लेकिन आप पहले ये डिसाइड करते हैं कि मेरी अजम्पशंस क्या हैं, और वो आपको बैठ के सोचना पड़ता है। ये जो हमने शुरू में कहा था ना कि कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, आर्ट है, तो वो यहाँ पे है कि अभी आपके पास एल्गोरिथम मौजूद ही नहीं है और उस वक्त आपने आपने बैठ के ये सोचना है कि मैं अपने प्रॉब्लम के बारे में क्या अजम्पशंस कर रहा हूँ। समझ आ रही बात की? वो अजम्पशन सबसे पहले आप लिखेंगे कि मैं ये बातें अज्यूम कर रहा हूँ। जब आपको पता चल जाएगा कि मैं ये बातें अज्यूम कर रहा हूँ तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी वजह से मैं दुनिया के कौन से मसले हल कर सकता हूँ और कौन से मसले हल नहीं कर सकता। ठीक है, हमारी अजम्पशन क्या है कि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। हमारी अजम्पशन ये है कि जो नंबर हमें दिया जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, हमारी अजम्पशन ये है कि वो माइनस में नहीं होगा। अभी इसमें माइनस डालें तो दूसरा फटा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है। तो ऐसा नहीं है कि इन अजम्पशन की वजह से हमारा काम गलत हो गया, सिर्फ हमें पता चल गया कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। समझ रही बात की? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अजम्पशंस को लिस्ट करना। ठीक है, या इसके लिए अच्छा लफ्ज इस्तेमाल होता है एन्यूमरेट करना, नंबर लगाना कि पहली अजम्पशन ये, दूसरी अजम्पशन ये, तीसरी अजम्पशन ये। जनाब, जी जी, ये जो छोटा का डबल कोट्स में लिखा है तो इसकी इसको भी आप ऐसा अजम्पशन लिखेंगे कि छोटे से क्या मुराद है। ठीक है, लेकिन वो अजम्पशन इस वजह से नहीं है क्योंकि वो आपके एल्गोरिथम के अंदर एक बात है, तो वो वहीं पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी जी, लेकिन देखें अब अजम्पशन में और इस एक्सप्लेनेशन में क्या फर्क है, गुड क्वेश्चन। इसको जरा देखें कि हमारी अजम्पशन क्या है, ये छोटे के बारे में भी एक अजम्पशन है हमारी, लेकिन उसको हम अजम्पशन इस वजह से नहीं कहते क्योंकि वो हमारी इंटरफेस पे इफेक्ट नहीं करती। समझ आ रही बात की? अभी इसी काम को हम डिफरेंट तरीके से करेंगे तो उसके अंदर ये छोटे का कॉन्सेप्ट हो गई। हमारी इंटरफेस क्या है कि हमें आप एक नंबर दोगे, उस नंबर के बारे में आपकी जो अजम्पशन है वो आपने बतानी है। बाहर से जो चीज आपको एज इनपुट आ रही है उसके बारे में आपने क्या बातें अपने जहन में रखी हुई है अजम्पशंस। ये छोटा जो है ये इस डब्बे के अंदर है, अगर इसकी अजम्पशन कल को आपकी चेंज भी हो जाती है तो वो आपका अपना हेडेक है, बाहर किसी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपके इंटरनल्स को देख ही नहीं रहा। समझ आई बात की? डिफरेंस समझ आया? गुड क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर है जी, फर्क पता है? तो अजम्पशन हमारा सबसे पहला काम हो गया। जब हम अजम्पशंस को डिफाइन कर देंगे उसके बाद फिर हम करेंगे एल्गोरिथम लिखेंगे और उसके अंदर इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, इसके लिए अब मैं आपको इनमें से एक अजम्पशन अभी हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं। इसको कहते हैं कि अजम्पशन को लिफ्ट करना, यानी कि वो हम आइंदा से अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, एक होता है अजम्पशन इम्पोज करना कि वो अजम्पशन होगी। ठीक है, अगर आप उस अजम्पशन को ब्रेक करते हैं तो हम आपके जिम्मेदार नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप मुझे परफेक्ट स्क्वायर भेजेंगे, अगर आप मुझे परफेक्ट स्क्वायर नहीं भेजते तो मेरा एल्गोरिथम किसी बात का जिम्मेदार नहीं है। समझ आ रही बात की? बात समझ आई है? जब हमने एक सेकेंड जब हमने अजम्पशन दे दी, हमने बाहर बंदों को बता देंगे कि ये हमारी अजम्पशन है। मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो इंटरफेस होती है, इंटरफेस का अजम्पशन से ताल्लुक होता है। तो हम अपनी अजम्पशन सब लोगों को बताएंगे जो हमारी इंटरफेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तो वो अजम्पशन के खिलाफ काम करते हैं तो हमारा हेडेक नहीं है, वो उनका कसूर है। मैं अगर उसको 35 के जवाब में 35 भेज रहा हूँ,
उसका कसूर है, उसने मुझे क्यों 35 भेजा, मैंने तो उसको बताया था कि मुझे परफेक्ट स्कोर भेजो सिर्फ। समझ आ रही बात? ठीक है जनाब। हाँ कैसे एक अलग बात है, कैसे एक अलग बात है। फिलहाल हम कैसे की बात इतनी नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि अजम्पशंस क्या होंगी और किसके ऊपर उनका इफेक्ट आएगा। ठीक है, उनको इन्फोर्स कैसे करना है वो बात की बात है। तो ये हमने अजम्पशन जो है वो इम्पोज की, और अब हम इस अजम्पशन को लिफ्ट करना चाह रहे हैं कि भाई आप मुझे बेशक कोई भी नंबर भेजो लेकिन नेगेटिव नहीं भेजोगे। ठीक है, जीरो से बड़ा नंबर आप मुझे भेजोगे। ये अजम्पशन अभी भी है, हमने कहा था ना दो अजम्पशन है हमारी कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें से एक अजम्पशन को भी हम लिफ्ट कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि आप मुझे जीरो से कोई बड़ा नंबर दोगे, परफेक्ट स्क्वायर बेशक ना हो। ठीक है जी, तो उसके अभी हम उसके लिए जाहिर बात है कि अब हमें एल्गोरिथम में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो दो तरीके कार हो सकते हैं, या तो ये है कि आप इसी एल्गोरिथम के अंदर जाके इसको चेंज करें, ठीक है, या ये है कि आप कोई नया एल्गोरिथम लिखें फ्रॉम स्क्रैच, एक नए तरीके से एल्गोरिथम लिखें। ठीक है, तो हम दोनों काम कर सकते हैं, दोनों काम ठीक है। यहां पे इसको सही करने का हमें कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे अभी एटलीस्ट कोई नहीं नजर आ रहा कि परफेक्ट स्क्वायर से इसको हम कैसे अलग लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डिवीजन कर रहे हैं और बेसिकली थ्रू आउट द एल्गोरिथम ये अज्यूम किया गया है कि नंबर बड़े अच्छे साफ सुथरे तरीके से चलेंगे, तो इसको चेंज करना जरा मुश्किल लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ठीक है, हम तरीकेकार अगेन वही होगा कि हमारे पास इनपुट में कोई नंबर आएगा, ठीक है, जो कि पॉजिटिव नंबर होगा, सही हो गया, और हम जवाब में उसको इसका स्क्वायर रूट भेजेंगे। अब जरा गौर से देखेंगे हम एल्गोरिथम क्या बना रहे हैं। हम एक तुक्का मारेंगे, ये आपको यकीन नहीं आएगा कि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व होते हैं कि आप सबसे पहले एक तुक्का मारें। ठीक है, आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा मशीन लर्निंग का, ये जो आप लोग फ़ोन के ऊपर गूगल पे सर्च करते हैं, किसी भी जगह पे वेब पे आप सर्च करते हैं वो आपको सजेशन दे देता है, ट्रांसलेट है, वॉइस एक्टिवेटेड कमांड्स हैं, फ़ोन के अंदर कोई बात करते हैं वो आपको डायल फलाना फलाना या कॉल होम वो होम डायल कर देता है। ये सारे जिनके एल्गोरिथम का जो पहला स्टेप है ना वो है स्टार्ट विद अ गेस। इन सब चीज़ों में पहला स्टेप जो है दैट इज स्टार्ट विद अ गेस। ठीक है, तो यकीन नहीं आएगा कि कितनी जगहों पे, तो हम बेसिकली एक तुक्का मारेंगे। आपने मुझे कहा 36 का स्क्वायर रूट दो, मैं कहूंगा 1। ठीक है, ऑब्वियसली 1 डज नॉट वर्क। ठीक है, लेकिन हम एक गेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम ना मैंने बनाया है ना ये रिसेंट पास में किसी ने बनाया है, ये पता नहीं 450 BC में हैरान ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया का नाम सुना है आप लोगों ने, ये अरस्तु और सुकरात और बुकरात और ये सारे बदबला वहाँ के, तो ये उस ज़माने का है। ठीक है, ये एल्गोरिथम उस ज़माने का है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम एल्गोरिथम बना रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बनाने का एक तरीका कार है, स्टार्ट विद अ गेस। ठीक है, अगर तो गेस ठीक है बाय चांस, ठीक है, तो गेस सही निकला है, ठीक है, उसको बोलिए गेस, ये जवाब है आपका। ठीक है, उसने कहा 36 का स्क्वायर रूट दो, मैंने गैस लगाया 6, सही निकला है। ठीक है, तुक पे सही निकला है। ठीक है, तो उसको रिटर्न कर दो। जब मैं ये रिटर्न गैस करूंगा तो ये बाहर वापस जवाब में चला जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होगा नहीं ना, पहली दफ़ा में तो सही गैस नहीं लगेगा ना। अगर सही नहीं लगता तो आप क्या करें कि गैस को इम्प्रूव कर लें। आप कह रहे नहीं है ना अच्छा, तो अच्छा कर देना उसको। ठीक है, एल्गोरिथम समझे, इसमें बड़ी बड़ी बड़ा फलसफा है, बड़े मजे का एल्गोरिथम है। अगर गैस अच्छा नहीं है, आप कह रहे हैं कि गैस अच्छा नहीं है, तो उसको अच्छा कर देना आप। ठीक है, इम्प्रूव कर लें उसको। आप कह रहे हैं बड़ा बुरा गैस है तो अच्छा कर लें इसको। ठीक है, और फिर क्या करें, दोबारा ट्राई करें। अगर अब वो इतना अच्छा है कि आपके लिए काफ़ी है वो रिटर्न कर दें, नहीं है तो वरना फिर अच्छा कर लें। ठीक है, फिर चेक करें, अभी ठीक है नहीं, थोड़ा और अच्छा कर लें। तो उसको अच्छा करते रहें जब तक कि वो सही नहीं हो जाता। ठीक है, ये एल्गोरिथम है। अब इंतहाई हैरत अंगेज तौर पे दिस वर्क्स रियली वेल। और आजकल आप लोगों के पास ये जो कैलकुलेटर्स वगैरह में और कंप्यूटर जो बहुत एडवांस किस्म के आपके पास लाइब्रेरीज वगैरह मौजूद हैं, दे यूज दिस एल्गोरिथम। ठीक है, हाँ जी, जो आपके पास मॉडर्न जो भी आप लोगों ने जिन लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पहले की है उसके अंदर स्क्वायर रूट उन्होंने कैलकुलेट किए होंगे मुख्तलिफ तरीके से, कैलकुलेट किए होंगे, इस्तेमाल किए होंगे। कैलकुलेट तो मुझे मेरा ख्याल है हाथ सपोर्ट नहीं करता स्क्वायर रूट को, लेकिन हम अभी कर लेंगे, खैर तो बड़ा काम नहीं है। ये सारा एल्गोरिथम है। अब इसमें देखिए दो बातें, पहली बात तो ये है कि ये करने में हमें कितनी देर लगी थी। ठीक है ना, करने में हमें काफ़ी देर लगी थी ना, इवन जो हम स्टेप्स भी लिख रहे थे कि डिवाइड करो, पेयर बनाओ ना बनाओ, एक उसमें से निकालो, ये यहाँ पे हमने क्या किया,
अगर तो गैस अच्छा है तो ठीक है, वरना उसको अच्छा कर लो और फिर ट्राई करो। तो हमने जो एल्गोरिथम एक्सप्लेन किया अगले को वो बहुत सिंपल है, समझ आ रही बात की? जो हमने उसको समझाया वो समझाना बड़ा आसान है। हाँ ये बात है कि इसके अंदर दो बातें रह गई, नंबर एक कि गुड इनफ क्या चीज है और नंबर दो कि इंप्रूव का क्या मतलब है। ठीक है, इसमें से एक बात तो बड़ी आसान है, गुड इनफ का मतलब ये है कि हमारे पास एक गैस है, अगर हम गैस को स्क्वायर करें तो वो तकरीबन बराबर होना चाहिए हमारे इनपुट के, जो मैं नंबर भेजा गया था उसके तकरीबन बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मुझे कहे कि 36 का स्क्वायर रूट दो और मैं उसको कहूँगे 5.00000296, ठीक है, तो जब आप 5.00000296 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 नहीं आएगा लेकिन 36.00160 और आगे समथिंग समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस काफ़ी है, चलेगा। ठीक है, इतने 60 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आगे। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो जनाब सर, ये आप बोले कि गेस करेंगे तो अगर गलत हुआ, हाँ सर ये मतलब इम्प्रूव अभी आ रहे हैं, इम्प्रूव की तरफ आ रहे हैं। इम्प्रूव देखिए, दो चीज़ें मैंने डबल कोट्स में डाली कि इनका मतलब कंप्यूटर को नहीं पता। ठीक है, उसको गुड इनफ का नहीं पता कि गुड इनफ से आपकी क्या मुराद है, तो पहले हमने गुड इनफ बता दी, दूसरी की तरफ आते हैं। ठीक है जी, गुड इनफ समझ आ गई कि क्या है कि अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पे हमने वो डिक्लेरेटिव नॉलेज को इस्तेमाल किया कि हमें ये तो पता है ना कि स्क्वायर रूट जब हमारे पास हो तो वो क्या होता है। अगर आपको कोई बता दे कि 36 का स्क्वायर रूट 5 है तो आप कह सकते हैं ना कि आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो यहाँ पे अगर आपको मैं कहूँ कि ये गैस इस का स्क्वायर रूट है इस नंबर का, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि हाँ या ना, सही कह रहे हो गलत कह रहे हो। ठीक है, तो हम गुड इनफ को इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो उसके बहुत करीब हो। अब बहुत करीब खुद एम्बिगुअस है, ठीक है, बहुत करीब से क्या मुराद है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद कोई मसला हो तो पहले 4 डेसिमल प्लेसेस में मसला नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात की जी? ठीक है, तो देखें पहले जो हमने बंदे को एल्गोरिथम समझाया था उसको हमने 3 लाइनों में एल्गोरिथम समझा दिया। उसने कहा तो बड़ा आसान एल्गोरिथम है, जाता हूँ मैं कोड करता हूँ, जाके जैसी बैठा तो पहली लाइन लिखने लगा। उसने कहा है गुड इनफ का क्या मतलब है, वो भागा भागा हमारे पास वापस आ गया, कहते गुड इनफ आपने वहाँ पे लिखा हुआ इसका क्या मतलब है। तो हमने उसको कहा कि गुड इनफ का मतलब ये है कि जब आप गैस को स्क्वायर करें, आपका गैस है ना, उसको जब आप स्क्वायर करें तो वो ओरिजिनल नंबर के 4 डेसिमल प्लेसेस तक करीब आ जाए, इतना करीब हो उसके। ठीक है जी, तो अगर वो उसके इतना करीब नहीं है तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट गुड इनफ, इट नीड्स टू बी इम्प्रूव। ठीक है, ये क्लियर है जी सबको? क्लियर है? जो सर नहीं हिला रहे वो हाथ खड़ा करें ताकि मैं दोबारा बताऊँ। किसी को कोई एम्बिग्यूटी है? ठीक है ये गुड इनफ का जो तरीका है, देखिए हम उसके अंदर ये बात करेंगे कि गैस को स्क्वायर करो, रेडेट से गैस मैंने लिया 1, ठीक है, 1 को मैं स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा 1। अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये और इनपुट इसमें फर्क कितना है। ठीक है, इनपुट था हमारे पास 36, इसके अंदर डिफरेंस है 35 का, ये 4 डेसिमल प्लेसेस से ज्यादा बड़ा डिफरेंस है ना, हम कहेंगे कि गुड इनफ नहीं है। लेट से होते होते कुछ देर के बाद किसी या तुक्के पे हमारे पास आ गया 6.0001, ये गैस हमने लगाया किसी वजह से। ठीक है, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36.123456। ठीक है, ये 36 से 4 डेसिमल प्लेसेस के करीब करीब है। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद कोई डिफरेंस है ना, तो अब हम कहेंगे कि यस दिस इज गुड इनफ, तो ये गैस हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी, अब ये बात जो है इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जिसके अंदर एम्बिग्यूटी हमने छोड़ दी हो। ये नंबर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस करो, अगर जो नंबर आपके पास माइनस करने के बाद आता है वो 4 डेसिमल प्लेसेस से छोटा है यस, वरना नो, अब एम्बिग्यूटी खत्म। तो गुड इनफ को हमने डिफाइन कर दिया एक और तरीके से, हमने ये एल्गोरिथम लिया, हमने क्या किया कि गौर से देखें, फंडामेंटल चीज है ये, हमने एल्गोरिथम लिया और एल्गोरिथम को हमने कह दिया कि इफ द स्टार्ट विद द गैस, इफ द गैस इज गुड इनफ रिटर्न द गैस, वरना इंप्रूव द गैस। इस एल्गोरिथम को सिर्फ ये 3 बातें पता है, ये 4 कह लें, ये 4 बातें इसको पता है। अब इसके अंदर एक एम्बिग्विटी पाई जाती थी गुड इनफ की, उस गुड इनफ के लिए हमने एक और एल्गोरिथम लिखा जो कि आपसे क्या चीजें लेता है, आपसे 2 चीजें वो लेता है, एक आपसे एक गैस लेता है और एक आपसे नंबर लेता है, और आपको ये बताता है कि आया ये नंबर जो है इसका जब हम स्क्वायर रूट निकाले तो ये गैस इसके लिए अच्छा है या नहीं है। इज दिस गैस अ गुड गैस फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, इसका और किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आते। ये जो गुड इनफ है ये एक अलग एल्गोरिथम है, इसको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आते,
इसको सिर्फ ये डिक्लेरेटिव नॉलेज चेक करनी आती है कि अगर मुझे एक गैस दिया जाए और मुझे एक नंबर दिया जाए तो मैं ये बताऊंगा कि ये गैस इस नंबर के स्क्वायर रूट के लिए अच्छा है या नहीं है। समझिए बात की। तो अब ये देखें, हमने एक बड़ा प्रॉब्लम लिया, हमने उसको चार छोटे प्रॉब्लम्स में डिफाइन कर दिया। नंबर एक, स्टार्ट विद अ गैस, वो इतना छोटा प्रॉब्लम है कि वो हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, हमें धोखा ही मार रहा ना, वो हम खुद कर सकते हैं। दूसरा काम, चेक करो कि ये अच्छा है या नहीं है। अब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, मैं किसी और बंदे को भिजवाऊंगा कि आप मुझे बताओ कि अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। मैंने धोखा मारा है, धोखा मैंने ठीक मारा है, अब कहोगे नहीं जी ये धोखा ठीक नहीं है, ठीक है, मैं कहूँगा अच्छा सॉरी है गलत हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब एक और बंदे को कहूंगा कि आप मुझे ये गैस लें और मुझे इंप्रूव करके दें, ठीक है, ये गैस है और ये नंबर है, इस नंबर के हिसाब से इस गैस को मुझे थोड़ा इंप्रूव करके दें। तो इंप्रूव जो है वो एक और एल्गोरिथम होगा जो कि किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब देखिए इसने करना क्या है, इसने भी स्क्वायर रूट नहीं निकालने, इसने सिर्फ ये काम करना है कि आपको एक नंबर दिया गया है या आपके पास पूरी नंबर लाइन है, इसमें ये नंबर है, ठीक है, लेट्स से वी कॉल दिस नंबर, ठीक है, नंबर नजर आ रहा है, अच्छा जी, हमने इसको एक नंबर दिया और हमने इसको एक गैस दिया, ठीक है, लेट्स से वो गैस यहां फॉल करता था, जी लिखता हूं गैस की जगह पे। ये क्या करेगा कि अगर तो नंबर गैस से बड़ा है तो ये गैस को थोड़ा सा नंबर के करीब कर देगा, थोड़ा ज्यादा कर देगा गैस को, ठीक है। अगर आपने इसको कहा कि भाई 36 का मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं और मैंने गैस अभी लगाया है 0.1, तो ये कहेगा इसने ये नहीं देखना कि अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, समझ आ रही बात की, इसने ये नहीं देखना कि अच्छा गैस है कि नहीं है, इसके साथ काम नहीं, इसको कहा कि आप इसको इंप्रूव करके दें। तो ये क्या करेगा कि ये कहेगा कि भाई आपने 0.1 कहा था, मैं आपको कहता हूं 0.2 इस्तेमाल करें, उससे अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुछ थोड़ा सा आगे जाके ये वाला जगह जो है ये उसको रिटर्न कर देगा। इसको नंबर क्या चीज इनपुट आया, जी और नम, ठीक है, इसको भेजा गया कि ये गैस है मेरा और ये नंबर है, ये गैस अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, आप इसको इंप्रूव करके दें, ठीक है। इसने ये भी नहीं कहा कि गैस अच्छा नहीं है, उसने कहा बस ये गैस आप इंप्रूव करके दें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गैस को नंबर से थोड़ा करीब कर देगा बस, और उसको कहेगा ये नहीं नया गैस है, ठीक है। अगर तो ये गैस हमारा बड़ा था तो फिर ये क्या करेगा कि उसको, लेट से मैंने इसको कह दिया था कि 36.4 ये मेरा गैस है, आप इसको इंप्रूव करके दें, तो वो कहेगा आप 36.3 ले लें, समझ रही बात की, बस नंबर से उसको थोड़ा सा करीब कर देगा, समझ आ रही बात की। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको एक नंबर भेजा, हमने इसको एक गैस भेजा, इसने हमें वो चीज इंप्रूव करके दे दी, कैसे की के साथ फिलहाल हमारा अब काम नहीं रहा। अब हम वापस अपने मेल एल्गोरिथम पे आ गए स्क्वायर रूट के। वो क्या काम करता है, चार काम करता है, वो गैस करता है, गैस करना बहुत ही सिंपल काम है, कोई नंबर उठा लो, ठीक है। दूसरा काम वो क्या करता है, वो गुड इनफ से पूछता है कि भाई ये गुड इनफ है कि नहीं है, इसमें इसको करने की कुछ जरूरत नहीं, गुड इनफ जाने उसका काम जाने। अगर तो वो गुड इनफ उसको कहता है कि हाँ जी अच्छा है, ये वापस भेज देता है आंखें बंद करके उसको। अगर गुड इनफ कहता है कि नहीं ये गुड इनफ नहीं है, तो फिर ये क्या करता है, इंप्रूव वाले को कहता है कि भाई मुझे इंप्रूव कर दो। जब वो इंप्रूव करके उसको वापस भेजता है, गुड इनफ को फिर भेज देता है, ये वाला अच्छा है, कहता है नहीं, उसको कहता है एक और दो, ये वाला अच्छा है नहीं, एक और दो, ये वाला अच्छा है नहीं। अब 0.1 0.1 हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो मिन जा रहे हैं हम आगे, हमने गैस किया था पहले 1 लैक से, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, चलते रहेंगे हम, ठीक है, चलते 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 इवेंचुअली हम 5.9 पे पहुंचेंगे। 5.9 पे भी गुड इनफ हमें कहेगा कि नहीं, फिर हमें 6 मिलेगा, हम 6 देंगे गुड इनफ को और गुड इनफ कहेगा कि ये जबरदस्त आपने दिया, तो बहुत जबरदस्त जवाब आ गया, और हम कहेंगे देखो जी हमने कंप्यूट कर लिया स्क्वायर रूट और ये आप उसको वापस दे देंगे। सवाल, गैस का प्रोसीजर, हाँ तो इसको जी गलत नहीं हो सकता, इसमें अब गलत सही का जवाब नहीं है, इसमें सवाल यह है कि आया वो गुड इनफ है या नहीं। तो गुड इनफ की अपनी डेफिनेशन है, गुड इनफ में गलत या सही की बात नहीं है, गुड इनफ में बात यह है कि अगर इस नंबर को हम स्क्वायर करें तो वही नंबर आता है कि नहीं जिसका हम स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इस जी का स्क्वायर जो है वो नम के करीब है या नहीं है, अगर करीब है तो इट्स गुड इनफ, ठीक है। करीब को फिर हमने डिफाइन किया 4 डेसिमल प्लेसेस से, ठीक है जी। तो अब जरा दोबारा एक स्टेप वापस लें और वो कहते हैं कि फॉरेस्ट को अब देखें कि हमारा एल्गोरिथम कर क्या रहा है। स्टार्ट विद अ गैस, ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट विद 0, ठीक है, स्टार्ट विद 1, स्टार्ट विद एनीथिंग यू लाइक, ठीक है, हार्ड कोड कर देंगे बस ये जी 1 से हम स्टार्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। तो इस गैस को भी हटा दें, हम इसको कह देंगे स्टार्ट विद गैस एज 1, ठीक है, बिल्कुल ही क्लियर हो गया, किसे ही मुक गया, ठीक है। स्टार्ट विद गैस, चेक इफ द गैस इज गुड इनफ, इफ इट इज गुड इनफ रिटर्न इट, इफ नॉट इम्प्रूव इट,
एंड चेक अगेन, ये हमारा सारा एल्गोरिथम है, ठीक है। अब वो ये खुद ही लगा रहेगा। इसमें फायदा क्या है? नंबर एक, कि अगर ये एल्गोरिथम आपने किसी को समझाना हो तो इट्स अ थ्री लाइन एल्गोरिथम, ठीक है। इसके अंदर जो एम्बिग्विटी है, उस एम्बिग्विटी को हम बड़ी आसानी से किसी और के सर पे डाल सकते हैं, ठीक है। दो एम्बिग्विटी थी ना, गुड एनफ का क्या मतलब है और इम्प्रूव का क्या मतलब है, और वो इतने ज्यादा लिमिटेड किस्म के काम है कि वो हम बड़ी आसानी से उठा के किसी और के ऊपर डाल सकते हैं, उनका और किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। गैस को चेक करना कि ये ठीक है या नहीं, इसका बाकी सारे एल्गोरिथम से और गैस को इम्प्रूव करने से कोई ताल्लुक नहीं है। गैस को इम्प्रूव करने का एल्गोरिथम के सही होने से या हमारे किसी काम को बार बार करने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। तो आप चाहते ये हैं कि एक बड़ा एल्गोरिथम बनाएं विच इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन, उसके अंदर से अपनी वो चीजें निकालें जो कि आप एम्बिगुअस छोड़ दिए आपने, और उस एम्बिगुअस चीज को लेके आप किसी और एल्गोरिथम के जरिए से सॉल्व करें। समझ आ रही बात? ठीक है जी। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी क्या थी, क्या थी यहाँ पे हमारे पास? गुड इनफ और नंबर दो इम्प्रूव, ठीक है। बाकी सारी चीजें आसान है जनाब। इम्प्रूव देखें, बाकी सब चीजें छोड़ दें। मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 0.1, ठीक है, और मैं जिस चीज का स्क्वायर रूट निकालना चाह रहा हूँ वो है 36। आप मुझे इस गैस को थोड़ा सा इम्प्रूव करके दे दें, तो आप कहते हैं कि 0.1 तो बहुत छोटा है और 36 जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसके थोड़ा करीब हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे शायद मसला हल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि उसके करीब होते हैं, और जब आप उसके करीब हो जाते हैं तो वो नंबर आप उसको रिटर्न कर देते हैं। आप ये नहीं चेक करते कि आया वाकई इससे कोई इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं आई। आपका एल्गोरिथम सिंपली ये कह रहा है, आपने ये अजम्पशन ली हुई है कि अगर हम उस नंबर के करीब होंगे तो इसका मतलब है कि हम उस तक पहुंचेंगे इसको, ठीक है जी। हाँ, वो हमने कह दिया कि हम 0.1 ही इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। ये प्रूफ का एल्गोरिथम वैसे बहुत सड़ा वाला एल्गोरिथम है, ठीक है, वो मैं आता हूँ उसकी तरफ, ठीक है। ये इम्प्रूव का जो एल्गोरिथम है ये कोई बहुत अच्छा एल्गोरिथम नहीं है, और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक अजम्पशन है। देखें, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको इसमें मसला बताता हूँ, फिक्स हम थोड़े देर से बाद जाके करेंगे, ठीक है। देखें, इस इम्प्रूव आपको क्लियर हो गया थोड़ा सा ये इम्प्रूव की तरह। अभी इसमें एक मसला बताते हैं आपको। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि हमने अजम्पशन देखनी होती है अपनी। इस इम्प्रूव के अंदर एक अजम्पशन है जो कि हमने अभी बात नहीं की, हम उसको भी देखेंगे, मसले को मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप मुझे बताएंगे कि अजम्पशन क्या है, ठीक है। ये आपके पास वो नंबर है, ठीक है, ये पूरी हमारे पास नंबर लाइन है, ये तो समझ आती है ना, मैं नंबर लाइन जो बना रहा हूँ, ठीक है, जीरो से लेकर आगे तक ले जा रही है। अब यहाँ पे मेरे पास जो मैंने इसको जी भेजा, वो गैस मैंने ये जगह भेजी, और ये अज्यूम करें कि हमारा जो एक्चुअल स्क्वायर रूट है वो यहाँ पे है, जो एक्चुअल स्क्वायर रूट जो कि हमें पता नहीं है वो यहां पे है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि जो जी आपको भेजा गया है अगर वो आपके नंबर से छोटा है, स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, अगर स्क्वायर रूट पता होता तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें पता नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट तो करती है ना कहीं पे, समझ आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को गौर से देखें कि कुछ बातें हमें पता होती हैं और कुछ बातें होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होती। तो कोई स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है किसी जगह पे दरमियान में इस नंबर लाइन पे, लेकिन हमें पता नहीं है उसका, ठीक है। तो हमारा एल्गोरिथम यहां पे इंप्रूव करने का क्या है कि जो भी नंबर है उसके अंदर 0.1 ऐड करो और वो रिटर्न कर दो। तो इस केस में हम ये जगह रिटर्न करेंगे विच इज क्लोजर टू दी एक्चुअल स्क्वायर रूट, तो हमने काम सही किया ना, ठीक है। अगर हम ये एक सिचुएशन होगी, अभी एक और सिचुएशन बनाते हैं, हमने थोड़ी देर बाद इसको एक नया गैस किया, ठीक है, कोई और गैस हमने किया, अब इसका पिछले गैस से कोई ताल्लुक नहीं जनाब, गुड क्वेश्चन। आप मुझे याद कराएंगे, आपको सेशनल में एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, जब सेशनल हो जाए तो मुझे याद कराएंगे, आप मेल करेंगे किस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो अजम्पशन है जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, ठीक है जी। इसलिए कहता हूँ कि बोला करें, इस किस्म की बातें कभी कभी आ जाती बीच में कि आप कोई ऐसी ज़बरदस्त बात कर देंगे जो कि सारी क्लास का मकसद होगा, ठीक है। तो वो मकसद जब आप बोल देंगे तो इस किस्म के आप लोगों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है, बोला करें जी। हाँ, मैं उनका क्वेश्चन रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं वो आगे वही बताने वाला था, इसेंशियली मेरा अगला जुमला उन्होंने बोल दिया। देखें, हमारे पास ये जो है ये एक्चुअल है, ठीक है, हमने जो गैस इसको भेजा वो लेट से हमने भेजा इस जगह पे, ये था 36, शुरू में हमने इसको गैस भेजा था 2, ठीक है, इसने हमें 2.1 रिटर्न किया था। एक्चुअल स्क्वायर रूट जो है वो 6 है, हमने इसको भेजा है 8, इन्होंने ये कहा कि अगर हम इसको 8 भेजें तो क्या होगा। अब देखें एल्गोरिथम हमारा क्या है, हमारा एल्गोरिथम ये है कि हमें जो नंबर भेजा जाएगा अगर वो नंबर से छोटा, जो गैस भेजा जाएगा अगर वो नंबर से छोटा है तो हम उसके अंदर +1 करके भेजेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको क्या रिटर्न करेगा, 8.1, ठीक है, ये तो और बेवकूफी हो गई,
हम नंबर के करीब जा रहे हैं, हम स्क्वायर रूट के करीब नहीं जा रहे हैं। तो अभी क्या करेगा, नंबर तक अगली दफा जब आप इसको 8.1 भिजवाएंगे, आपको 8.2 भिजवाएगा, फिर 8.3 भिजवाएगा, फिर 8.4 भिजवाएगा, और आप बजाय इसके के काम को ठीक करते, अब आप इंप्रूव की जगह पे एक्चुअली इंप्रूव का उल्टा क्या होता है, डिग्रेड कर रहे हैं उसको। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो यहां पे हमारे एल्गोरिथम में एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है, लेकिन वो काम तो इसका है नहीं, वो तो गुड इनफ का काम है। स्क्वायर रूट इसको पता नहीं है, वहां पे हम लगा नहीं सकते। ये दो हल है, एक आसान हल है और एक समझने वाला हल है। समझने वाला हल तो हम बाद में करेंगे, अभी एक आसान हल है। लेकिन आसान हल इसका ये है कि आपका गैस हमेशा जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। पहली दफा जब आप मुझे कॉल करें तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये मसला नहीं आएगा, क्योंकि जीरो से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आते 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 उसी जगह पे आप पहुंचेंगे जहां पे कोई सही जवाब होगा, उसको आप क्रॉस करके नहीं जा सकते। समझ आ रही बात की। तो यहां पे आपकी अजम्पशन ये है कि आप गैसेस को स्टार्ट करेंगे जीरो से और वहां से आगे आएंगे, आप दरमियान में भी मुझे गैस नहीं, वैसी तुक्के पे नहीं मार सकते आप। समझिए बात की। तो यहां पे अजम्पशन ये है, विच इज नॉट अ वेरी गुड अजम्पशन। ठीक है, इसका हम बाद में तफसील से देखेंगे कि अजम्पशन क्यों अच्छी नहीं है। इससे मसला हल हो जाता है, अगर आप जीरो से स्टार्ट करो तो यहां हम एट पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हम सिक्स के करीब करीब पहुंचेंगे तो गुड इनफ यस कर देगा और हम बात खत्म हो जाएगी, तो हम इस तक आ ही नहीं सकते। लेकिन ये अजम्पशन जो है ये और बहुत सारी वजूहात से अच्छी नहीं है, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो वजूहात क्या है। ठीक है जनाब, जी इस तरह ज्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन जब मैं आपको 35 भेजूंगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन फिर आप दोबारा अजम्पशन लगा रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट है वो होल नंबर्स में आना चाहिए, और उसी अजम्पशन को हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी अजम्पशन परफेक्ट स्क्वायर वाली है, आपने परफेक्ट स्क्वायर का ही एल्गोरिथम लिखना है, तो आप ये वाला एल्गोरिथम भी कर सकते हैं, और इसके अंदर वो एक अजम्पशन लगा के +1 +1 +1 करें, आप वो भी कर सकते हैं। जी जी जी, लेकिन कंडीशन अगर आप लगाएंगे तो वो या आपको 1 रिटर्न करेगा या 2 रिटर्न करेगा या 3 रिटर्न करेगा, वो 2.5 नहीं रिटर्न कर सकता आपको। ठीक है ना, कंडीशन लगा सकते हैं कि इनपुट अगर आपको ऐसा मिल रहा है 36 इस टाइप के, लेकिन बिल्कुल ठीक है आप लगा सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको इसको सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स बताने पड़ेंगे, ये भी मसला है। ठीक है जनाब, नहीं आप बहुत सारी लगा सकते हैं, लेकिन देखें जितनी कंडीशंस आप लगाएंगे आपका एल्गोरिथम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा, फिर उनके अंदर अजम्पशंस होंगी, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम बड़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी पूरे एल्गोरिथम को हम चेंज नहीं करेंगे। मेरा ख्याल एक दो लेक्चर्स के बाद हम वापस इसकी तरफ जब आएंगे तो उस वक्त आपको फिर बताऊंगा कि हम पूरी कहानी के अंदर सिर्फ एक पीस को चेंज करेंगे और हमारा सारे का सारा ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो जाएगा, उसकी तरफ बाद में आएंगे, अभी फिलहाल हम उसकी बात नहीं करें। यहाँ पर यह बात क्लियर होगी कि हमारे पास अजम्पशन जो है वो बड़ी, इसको कहते हैं कि सटल किस्म की अजम्पशन हो सकती हैं। आप एक खास केस उसको देंगे और उस केस के अंदर वो मसला नजर आएगा, और फिर आप कहेंगे कि अच्छा ये तो मसला आ गया, ये मसला किस अजम्पशन की वजह से आया, फिर वापस जाके अब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी। मसला निकालने में क्रिएटिविटी नहीं है, उस मसले की रूट कॉज तक पहुंचने में, वो अजम्पशन जो कि आपने ली हुई है उस वक्त आपको फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस वक्त आपको चाहिए फोकस, ये मसला आया किस वजह से, आपको इसके पीछे घर पहुंचना होगा इसके। ठीक है, बात क्लियर है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये देखिए, ये अगेन हम लोगों ने थोड़ा सा एक पूरे एल्गोरिथम से बात शुरू की है, इसको समझाना यहाँ पे इस वजह से जरूरी है ताकि आप लोगों को वो प्रोसेस क्लियर हो कि हम काम किस तरीके से करते हैं। आपने इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप उस बड़े प्रॉब्लम से बात शुरू करते हैं, आप ये नहीं करते कि आप जाके अपना प्रोग्रामिंग का कोई जगह खोलें जहाँ पे आप कोड लिखते हैं और आप कोड लिखना शुरू कर दें। ठीक है, आमतौर पर हम लोग जब इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तो हम उसमें यही करते हैं कि ये कोड हमें से बात शुरू करते हैं, लेकिन वो तरीका ठीक इस वजह से नहीं है क्योंकि वो प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं तो उस तरीके से आप सॉल्व नहीं करते, आप पहले प्रॉब्लम को फॉर्मलाइज करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये मेरी अजम्पशन है, ये इनपुट आएगा, ये आउटपुट जाएगा, इस तरीके से मेरा एल्गोरिथम होगा, इसके अंदर ये एम्बिग्विटी है, इसके लिए मैं ये एल्गोरिथम लिखूंगा, इसके लिए मैं ये एल्गोरिथम लिखूंगा। कागज के ऊपर ये बड़ी सारी चीज बनी होती है, आप लोग कभी मेरे ऑफिस में आए, जो लोग आते हैं सवाल वगैरह पूछने के लिए वैसे, तो वहां पे देखेंगे इससे थोड़ा सा छोटा बोर्ड है, उसके ऊपर एक लंबी खिचड़ी बनी हुई है। ठीक है, और वो सारी खिचड़ी इस तरह की, उसमें प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाता है, उसके बाद जब मैं कोड लिखने बैठता हूँ तो सारे तीन दिन में कोड हो जाता है। ठीक है, तो
अक्सर आपके प्रॉब्लम्स इस तरह होते हैं कि पहले प्रॉब्लम को फॉर्मलाइज करना मुश्किल काम है, उसके बाद कोड के अंदर उसको लाना वो ऐसा ही है कि आपको आपने इंग्लिश में बता दिया उसको या उर्दू में बता दिया, फारसी में सिर्फ ट्रांसलेट करना रह गया बस, ठीक है। तो एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है वो बहुत थोड़ा रह जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको फारसी आती है तो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन वो काम बड़ा छोटा है, एक्चुअल काम जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जी सवाल है, जी तो उस केस में ये है कि अगर तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, अगर आप कहते हैं कि मुझे 36 का स्क्वायर रूट 5.9999999999999256 अगर मिल जाए तो इज दैट फाइन। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं लेट्स से कि पाकिस्तान ये पिशावर का एवरेज टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे आपने स्क्वायर रूट निकालना है और वो आपको बताए कि स्क्वायर रूट जब आपने निकाला तो वो कहेगा कि जी 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, पिशावर में तो नहीं होता, कोटा वगैरह में कर लें कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, या वो आपको कहे कि 5 point something और वो है, तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। जी लेकिन उसने जो इवेंचुअली आखिर में रिजल्ट हमें भेजा वो रिजल्ट उसने हमें आप कह रहे हैं कि एक तरीके का गलत भेजा, बजाय 6 के उसने कहा 5.9999, ठीक है। तो डज इट मेक अ डिफरेंस, सवाल ये, हर केस में डिफरेंस नहीं करेगा। एवरेज टेम्परेचर आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई क्वेटा का एवरेज टेम्परेचर कल जो है वो कितना होगा, तो आप उनको या कहते हैं कि 6 और या आप उनको कहते हैं 5.99, तो वो कहेगा ठीक है ना 6 है ना यार, 5.99 का क्या मतलब है, तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन अगर यही काम आप न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं तो इतना बड़ा धमाका होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया वहां पे। अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और 3 decimal places तक आप जा रहे हैं तो वो काम होगा कि जो कि चेर्नोबिल में हुआ था, ठीक है। अभी तक रेडिएशन पता नहीं कितने सालों के बाद भी, डेकेड्स के बाद भी खत्म नहीं हुई। तो डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप इसको वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपका वो है न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें गुड इनफ की कोई और डेफिनेशन है, बाकी सारा एल्गोरिथम अपनी जगह पे, गुड इनफ के अंदर 4 decimal places की जगह पे हम उसको कर देंगे 15 decimal places, बाकी सारा एल्गोरिथम ठीक है। क्यों? क्योंकि गुड इनफ की डेफिनेशन हमारी चेंज हो रही है कि व्हाट इज अ गुड स्क्वायर रूट। तो हमें एक्सप्लिसिटली पता है कि जब गुड इनफ की डेफिनेशन चेंज होती है तो हम किस जगह पे जाके चेंज करते हैं, समझ रही बात। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है इससे बहुत सारे फायदे, अब आप लोगों को जब आप सवाल पूछते जाएंगे तो आप लोगों को पता चलता जाएगा, कुछ हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि जब आप अपने पूरे एल्गोरिथम को स्ट्रक्चर कर देते हैं, पहले एक बड़ी बात फिर उसके अंदर छोटी बात अलग छोटी बात अलग, तो जब किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट आता है तो आपको एक्सप्लिसिटली पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाके चीज को चेंज करना है। तो अब जो आपने सवाल किया कि आया 5.99 या 6 इनमें कोई फर्क हमारे लिए है या नहीं है, अगर फर्क है तो आप गुड इनफ को जाके चेंज करें, क्योंकि आपकी गुड इनफ की डेफिनेशन गलत है। आपके लिए 5.99 इज नॉट गुड इनफ फॉर अ स्क्वायर रूट ऑफ 36, क्योंकि आप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, उस केस में आपको चाहिए 15 decimal places। तो आपको गुड इनफ का कोड गलत है, गुड इनफ को जाके सही डिफाइन करें। वहां पे आप अजम्पशन क्या कर रहे हैं कि दोनों में फर्क नहीं है, जबकि ये अजम्पशन होल्ड नहीं कर रहे। जबकि अगर आप टेम्परेचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एवरेज टेम्परेचर को 5.9 है क्या, 5 की जगह 6 भी कह दे तो खैर, ठीक है, 6 की जगह 5 कह दे खैर, ठीक है जी, बात समझ आ रही है जी, कोई एम्बिग्युइटी तो नहीं यहाँ पे। तो देखिए हमने एसेंशियली क्या किया कि हमने एक प्रोग्राम को लिया, हमने उसका एक मेजर स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसके अंदर जो एम्बिग्युइटी थी उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चरियाँ बनाई हमने, ठीक है, एक बड़ा स्ट्रक्चर और एक छोटा स्ट्रक्चर, फिर दूसरा छोटा स्ट्रक्चर, फिर दूसरा छोटा स्ट्रक्चर, और इनको आपस में हमने लिंक इस तरीके से किया कि ये बड़ा स्ट्रक्चर इन छोटे स्ट्रक्चर को काम हवाले कर रहा है, ठीक है ना। बड़ा स्ट्रक्चर कोई काम कर रहा होता है, वो दरमियान में कोई ऐसा काम आता है जो वो खुद नहीं करना चाहता, वो किसी और के हवाले करता है। जनाब आंसर कैसे पता है इसको, गुड इनफ को एल्गोरिथम को नहीं पता। जी देखें गुड इनफ क्या कर रहा है, गुड इनफ को आप एक नंबर देते हैं, ठीक है, आपने उसको दिया जी, ये गुड इनफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपने उसको दिया लेट्स से 5 और आपने उसको दिया 36, ठीक है। गुड इनफ क्या कर रहा है, गुड इनफ को 36 का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, उसको 5 का स्क्वायर निकालना आता है, 5 multiplied by 5 सिंपल। 36 का स्क्वायर रूट निकालना कॉम्प्लिकेटेड काम है, 5 का स्क्वायर निकालना आसान काम है। ये क्या करता है, 5 into 5 करता है, जवाब आ जाता है 25। ये इसको कंपेयर करता है 36 के साथ, बेसिकली 36 से इसको माइनस करता है, जवाब आता है 9। तो 9 4 decimal places से बड़ा नंबर है, तो ये कहता है इट्स नॉट गुड इनफ। इसको एक्चुअली 36 का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, इसको ये देखना आता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाए तो ये 36 का स्क्वायर रूट है कि नहीं है, डिक्लेरेटिव चीज को ये चेक कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आप अगर आप सुबह आ जाए और ये एल्गोरिथम आपको ना बताया हो, और लास्ट टाइम की क्लास में मैंने पूछा भी था कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप लोग मुझे 6 बता सकते हैं,
या अगर मैं आपको ये कहूँ कि 36 का स्क्वायर रूट 6 है तो हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। तो ये जो दूसरा सवाल का जवाब है ये गुड इनफ कर सकता है। जो पहला काम है कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, इंपेरेटिव नॉलेज जो मांगता है वो ये नहीं कर सकता। बात क्लियर है जी? ठीक है, तो गुड इनफ ये चेक कर सकता है कि आपका जवाब ठीक है या नहीं। जो लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि इट्स अ गुड टेस्ट लेकिन इट्स नॉट अ गुड वर्कर। ठीक है, ये टीचिंग बड़ी अच्छी कर सकता है। आगे कहा जी आपने जवाब गलत लिखा है, सही जवाब क्या है पता नहीं, आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये काम बड़ा अच्छा कर सकता है। सही है, बात क्लियर होगी जी? जनाब हाँ, ये वाली चीज हमें लिखनी पड़ेगी, ये जो हमने स्टेप्स किए ना, तो अगर हम एक नई स्लाइड बना ले और उसके अंदर सिर्फ ये गुड इनफ के स्टेप्स लिख लें तो वहां भी ये स्टेप होगा। टेक टू नंबर्स, मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय इटसेल्फ, सबट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द सेकंड नंबर, इफ द रिजल्ट इज ग्रेटर देन 4 डेसिमल प्लेसेस रिटर्न ट्रू। ठीक है, उसको कहो हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दो उसको। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? देखिए मैं जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये कि हम लास्ट टाइम भी मैंने कॉल का लफ्ज इस्तेमाल किया था, यहाँ पे रिटर्न का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हमने जवाब वापस भेजना होता है ना, मैं ये अल्फाज इस वजह से इंग्लिश के उर्दू के इस्तेमाल करता रहा हूँ कि हमने इसको जवाब वापस भेजना होता है, तो ये रिटर्न वो वाला रिटर्न है। ठीक है, जिन लोगों को प्रोग्रामिंग से कोई थोड़ी बहुत या एनर्जी है, जिनको पहले से कोई ताल्लुक है, अच्छा ताल्लुक है, बुरा ताल्लुक है प्रोग्रामिंग के साथ, वो ये ना समझें कि ये प्रोग्रामिंग का लफ्ज रिटर्न मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ इंग्लिश के लफ्ज के तौर पे कि आप उसको जवाब वापस भिजवा दें। ठीक है, जवाब वापस भिजवाना है ना हमने, तो ये जवाब आप उसको वापस भिजवा दें। ठीक है, ये एक साइड बात की गई थी, ये क्लियर है जी? कोई और सवाल हो? ठीक है, अच्छा जी, तो हमने क्या किया, हमने एक एल्गोरिथम बनाया, हमने एल्गोरिथम के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि उसके अंदर जो एम्बिग्यूटीज थी वो हमने कहीं और सॉल्व की, वो इस एल्गोरिथम के अंदर हम सॉल्व नहीं करना चाहते। ठीक है, और एम्बिग्यूटीज जब वहां हमने रिमूव कर दी किसी और जगह पे, तो वहां पे कोई अजम्पशन थी तो उस अजम्पशन को भी हमने रिजॉल्व किया, क्योंकि उनकी जो अजम्पशन होंगी वो इसकी भी इवेंचुअली अजम्पशन बनेगी, जो कि हमें पीछे अपने कॉल करने वाले को बतानी पड़ेगी, जिसने हमें काम दिया था उसको हमें बताना पड़ेगा कि हमारी अजम्पशन है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारे पास एक एम्बिगुअस सी नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज में हमने एक एल्गोरिथम लिख लिया। ठीक है, ये जो ह्यूमन लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं उसका एक नाम होता है, चले बाद में आ जाए, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं उसको, छोड़े। हम लोगों ने एक एम्बिगुअस सी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर एक एल्गोरिथम लिख लिया। अब मसला ये कि हमारी जबान जो है वो कंप्यूटर नहीं समझता, तो कंप्यूटर कौन सी जबान समझता है? जो जबान कंप्यूटर समझता है उसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर को हम प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने का मतलब होता है एसेंशियली, डिक्शनरी मीनिंग जो प्रोग्राम का है वो है किसी को चलना सिखाना। ठीक है, कि कैसे आपने काम करना है, तो कंप्यूटर को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए से ये बताते हैं कि आपने कैसे ऑपरेशन करना है, आपने क्या काम करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक एक स्टेप हमें उसको बताना पड़ता है, जैसे बिल्कुल छोटे से बच्चे को समझाना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि छोटा सा बच्चा थोड़े टाइम के बाद सीख जाता है, कंप्यूटर थोड़े टाइम के बाद भी नहीं सीखता, उसको आपको हर वक्त बताना पड़ता है। ठीक है, मशीन लर्निंग एक एक्सेप्शन है, लेकिन बहरहाल वो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ये ऐसे ही हैं जैसे रेसिपीज होती हैं। आप लोगों में से किस किस को बेकिंग मेकिंग का शौक है? नहीं, तो एक भी नहीं बेटे, खाने का शौक है? कभी कोई केक मेक बनते हुए देखे हैं? अंडा उबालना आता है किसी को? अंडा किस तरह उबालते हैं? ऐसे पानी में नहीं डाल देते, टब में पानी पड़ा उसके अंदर अंडा डाल दिया, चूल्हे हाँ पतीला उठा के चूल्हे के ऊपर रखें, चूल्हा ऑन करें, पतीले में पानी डालें, फिर उसके अंदर अंडा डालें। ठीक है, पानी में अंडा को बतख थोड़ी है, उसको आप पानी में डाल दें। ठीक हो गया, अच्छा, तो ये जो चीज़ होती है इसको कहा जाता है हमारी जबान में रेसिपी। ठीक, आप लोग क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ठीक है, उसको आपने किस प्रोसीजर से किस चीज़ को किस चीज़ में डालना है, फिर किसको कितना पकाना है, कितनी देर पकाना है, ये सारी बातें ये रेसिपी कहला दी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो है उसके जरिए से आप बेसिकली रेसिपीज बताते हैं कंप्यूटर को कि आपने इस 36 से, इस अंडे से आपने इसका स्क्वायर रूट बनाना है, ऑमलेट वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो दरमियान का सारा प्रोसीजर आप उसको बताते हैं। ठीक है, तो ये रेसिपी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए से बताई जाती है। जब आपके पास कोई, हमने एल्गोरिथम बनाया, वो एल्गोरिथम किसी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जबान में होता है, क्योंकि हम अपने सोच रहे होते हैं ना, तो हम उस चीज में सोचते हैं जिसमें हम अच्छा सोच सकते हैं। जैसे भी हमने लाइनें माइनें लगाई, इस किस्म के हमने काम किए, तो हम अपने सोचने के हिसाब से काम करते हैं, जबकि मशीन जो है वो किसी और जबान को समझती है। तो इस जबान को ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, जिसको इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी इंटरप्रेटर जो लफ्ज होता है वो ट्रांसलेटर के लिए इस्तेमाल होता है। एक ही बात सुनता है, इंटरप्रेट करता है, समझता है और आगे को समझाता है दूसरे को। ठीक है जी, तो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा फर्क होता है,
ट्रांसलेशन जो है वो मोस्टली वर्ड बाय वर्ड होती है, उसके अंदर इंटरप्रेटर अपना कोई कोई वो चीज़ नहीं डालता, जबकि इंटरप्रिटेशन के अंदर वो मतलब अखज़ करता है और मतलब आगे को बताता है, कुछ बीच में उसने कोई अहमी शहम की बात की हो तो वो भी सही करके बताता है आगे। तो इंटरप्रेटर के अंदर जो एक्चुअल इंटरप्रेटर होता है उसके कुछ ना कुछ दिमाग शामिल होता है उसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहा जाता है इंटरप्रेटर, ठीक है, इसको हम लोग इंटरप्रेटर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये पैरेलल होती है वर्किंग के, ठीक है, कि आपने ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, कंट्रोल है ना। अब आपको मैं कंट्रोल दे रहा हूँ, आप क्या करना चाहते हो, वो कहता है मैं ये करना चाहता हूँ। अब मैं आपको कंट्रोल दे रहा हूँ, आप क्या करना चाहते हो, मैं ये करना चाहता हूँ। अब मैं आपको कंट्रोल दे रहा हूँ, आप क्या करना चाहते हो, तो वो ये करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं आऊँगा, मैं ये वाली जो लाइन है हमारे पास स्टार्ट गेस, इसको मैं कहूँगा कि ये कंट्रोल आपके पास है, अब आप क्या करना चाहते हैं। वो कहेगा जी मैं गेस करूँगा, मैं गेस करता हूँ वन, हम कहेंगे अच्छा जी कंट्रोल आप वापस दे दें। अब आप लें कंट्रोल, हमने इस दूसरे को कंट्रोल कर लिया कि अगर गेस जो है वो गुड इनफ है तो अब गुड इनफ को कंट्रोल दे दिया जाएगा कि आप करो। तो ये कंट्रोल जो है फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये वर्किंग है कि पहले क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए, ठीक है। तो ये फ्लो जो है मुख्तलिफ रूल्स के मुताबिक चलता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंडिविजुअल चीजें होती हैं, वो स्टेप्स होते हैं जो कि फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर आते हैं, पहले ये करो, फिर ये करो, ये करो, ये करो। तो ये जो है एक, ये जो है ये आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन उस चीज को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। एल्गोरिदम उस चीज को कहा जाता है जो कि इंस्ट्रक्शंस के मिलके बनती है, कंप्यूटर को पहले से एल्गोरिदम का नहीं पता होता, वो हम उसको समझाते हैं, और इंस्ट्रक्शन वो चीज है जिसको कंप्यूटर समझता है, ठीक है। उसको कहें खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप उसको कहें कि ये डाइस उठा के वहां ले जाओ, वो कहें ये मुझे नहीं समझ आती, आप उसको कहें खड़े हो, खड़ा हो जाएगा, इधर आओ, इधर आ जाएगा, इसको पकड़ो, पकड़ लेगा, उठाओ, उठा लिया, वहां ले जाओ, हैं, मुड़ो, मुड़ गया, कदम उठाओ, कदम उठाओ, कदम उठाओ, कदम उठाओ, कदम उठाओ, इसको रख दो, ठीक है। तो दोनों बातों में क्या फर्क है, इंस्ट्रक्शन से मिलके पूरा एल्गोरिदम बना। अगर आप उसको कहेंगे ये एल्गोरिदम है करो, उसको नहीं समझ आती, अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन 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 करके देंगे उसको समझ आती है। तो इंस्ट्रक्शन वो चीज़ है जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। इसके अंदर थोड़ी सी मैं बात गलत कर रहा हूँ, लेकिन जानबूझ के कर रहा हूँ, फॉर द टाइमिंग इतनी डेफिनेशन आती है। हम करते क्या है कि कंप्यूटर के पास एक दिमाग होता है, ठीक है, उस दिमाग के अंदर वो अपनी बातें सेव करता है। जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा ना कि स्टार्ट विद अ गेस, तो अब गेस उसने कह दिया वन, तो अब ये वन को वो कहीं हाथ में पकड़ेगा ना, ठीक है, उस वन के साथ उसने कुछ करना है। हमने उसको कहा कि वन मुझे दो, मैं इसको देता हूँ, ठीक है, उससे मैंने वन लिया और इसको दिया। अब उसके पास अगर वन से अलावा कोई और भी चीज़ें थी तो वो भी उसने अपने पास रखी होंगी, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म का डाटा होता है आपके पास, ये पैरेलल है आपके पास इंग्रेडिएंट्स के। मैं आपको कहूँ कि आपने ऑमलेट बनानी है तो ये ले अंडा, ये ले नमक, ये ले मिर्च और ये ले हल्दी, हल्दी भी डालते हैं, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। क्या मुझे नहीं पसंद, क्या आप खाते हैं तो ठीक है, आप प्याज डाल लें उसमें, ठीक है, टमाटर भी लोग डालते हैं, मुझे भी नहीं पसंद, एनीवे तो अच्छा भाई ठीक है ना, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये इंग्रेडिएंट्स उसको बंदे को अपने पास रखने पड़ेंगे ना, उसको एक काउंटर चाहिए जिसके ऊपर वो रखे, ठीक है। तो ये हर इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट जो है ये डाटा होगा, और वो काउंटर जो है उसको एक चाहिए जिसके ऊपर ये रख सके, ठीक है। तो उस काउंटर को कहते हैं मेमोरी, ठीक है जी। और आपके पास कुछ जगह होंगी जिनके अंदर ये उनको पकाएगा फिर, ठीक है, वो जो आपकी पतीली है जिसके अंदर आपने वो डाला है, पानी डाला है, और अभी उसके अंदर आप अंडा डालने वाले हैं। तो कुछ जगह होंगी जिसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर सकते हैं, उनके साथ आप कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है जी, ये बात क्लियर है जी। चलें ये टाइम भी करना, चलें ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। कोई सवाल हो तो आप पूछें। मैं दे दूंगा लेकिन फिर आप आओगे ये ज़्यादा मुश्किल है, ये काम ज़्यादा मुश्किल है इस किस्म के, ये जो अंडे वाली एग्जाम्पल्स होती है ना, ये ज़्यादा मुश्किल होती है। हाँ, अगर किसी को इस पर कोई वो हो कि भाई एग्जाम्पल अच्छी नहीं है तो फिर हम कोई और एग्जाम्पल कोशिश कर लेंगे, मज़े की बात। डिपेंड करता है, जो टूल हमें अच्छा लगा हम वो करेंगे जी। आसान जवाब हाँ है, लेकिन मैं वो जवाब देना नहीं, एक सेकेंड। सर आपने कहा कि अगर हमारा गैस ज़्यादा हो अपने तो आपने कहा कि बेटर ये है कि जीरो से गैस करें, सर अगर आपको दो कंडीशन दी गई, अगर कम हो तो हम पार्ट वन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो तो पार्ट वन कम करते हैं, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको वो देता हूँ कंडीशन, आपकी ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको देता हूँ 1,259,000,
इसका स्क्वायर रूट निकालें आप। अब आप लेट से गैस वन से स्टार्ट हो गए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है, एक मेरा ख्याल है एक हफ्ता लग जाएगा शायद, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम इनहेरेंटली बहुत बेवकूफ़ है, इसकी इंप्रूवमेंट वाला काम ठीक नहीं है। हम बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर मेरा और उसका डिफरेंस जो है 1 मिलियन है तो जल्दी आगे जाओ, ठीक है, जितना डिस्टेंस कम होता जाए उतना स्लो स्लो आगे जाओ। बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन उस मसले को हम अभी यहाँ पे इसलिए नहीं सॉल्व करना चाह रहे क्योंकि हम बाद में जाके इस इंप्रूव गैस को किसी और तरीके से लिखेंगे। बाकी सारा एल्गोरिथम वैसे ही रहेगा, इस इंप्रूव में बड़े मसले हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, इंसानियत इसके अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है। दो मसले हमने देख लिए और 10 मसले हैं इसके अंदर, ठीक है, नेगेटिव दे दें तो भी काम नहीं करता, पॉजिटिव में ज़रा उधर चला जाए तो काम नहीं करता, इधर चला जाए काम नहीं करता, बस फटे फटे हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये स्लो भी बहुत है। तो इसको हम इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव गैस को हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन जरा बाद में जाके, ठीक है। जी जी सॉरी दोनों ये